मेरे लिए बहुत मैंने आज तक तो किसी के साथ डिस्कस नहीं की ये चीज <laughs> नहीं नहीं सर डार्क साइड सर आई लेट मी अंडरस्टैंड आई रिस्पेक्ट यू गाइस यार आई रिस्पेक्ट यू गाइस तुम लोग जिस तरह आई एम रियली सॉरी जिस तरह इस गंदी नजरों के साथ गंदी चीजों के साथ तुम लोग जी रहे हो ना आई आई कैन फील दैट दिस इज आती खाना देने कभी कुछ करने। एक बार उठ के खड़े हो जाओ उस माँ के लिए माँ कमरे में आई आप उठ के खड़े हो mm. अब मैं भी हूँ mm. ना मैं अपने बाप को गले तक नहीं लगा सकता था मैं उसको ये भी नहीं बोल सकता था अब्बा ये शर्ट आपके ऊपर अच्छी लग रही है चावल के दाने से बड़ा बाल हो वहाँ तो पे हराम है एक्जेक्टली वहाँ पे हकू कलास है ज़्यादा हकू बात हकू बात जो बात है आप फील कर सकते हैं उस चीज़ को तीन ऐसा ही है बिल्कुल ही ही है। आज की ये पॉस पॉडकास्ट बहुत ही अच्छी होने वाली है हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे आज की ये पॉस्ट पॉडकास्ट बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि हमारे साथ इन साइक्लोमीडिया हब के बहुत ही अच्छे दो लोग मौजूद हैं एक अता भाई बहुत सारी तालियां एक <laughs> भाई उनके लिए बहुत सारी सर कैसे हैं आप लोग ठीक ठाक सर मैं कहता हूँ इसके बाद आप ही कंटिन्यू करें क्योंकि मैं फंबल कर रहा हूँ हम लोग भी करते हैं भाई ऐसा नहीं थोड़ा सा अच्छा अच्छा फील हो रहा है हां डन हाँ, हो गया डन हाँ, हो गया मेरे हाँ। सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे मेरा कुछ नहीं है खैर लाइक आने चाहिए डन <laughs> डन भाई डन भाई चलो स्टार्ट विद दिस कैसे हो भाई मसूद हाउ आर यू मैं <coughs> अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक आप बताएं आप लोग कैसे हैं ठीक ठाक बेहतरीन बेहतरीन अच्छा एक सवाल है मतलब छोटी सी उम्र में जब

आपको बहुत सारी चीज़ें देखभाल के चलनी पड़ती हैं आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है एक छोटी एज में आपको बहुत मेच्योर बनना पड़ता है तो ये चीज़ आ जाती है बाकी कंधों पे बोझ होता है कभी कभार लेकिन डील करना पड़ता है नहीं सही कि नहीं यार आई नीड टू एक्ट नो

एक क्रिएटिव बंदा है एक आर्टिस्ट है अब उसका ये सीन है कि वो कंटिन्यूसली दो साल तक काम कर रहा है हुँ. बहुत अच्छा काम कर रहा है सही है बेहतरीन बीच के छः महीने आते हैं जब उसको काम नहीं मिल रहा या उसके अंदर का ना वो काम कर 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 करके इतना उस चीज़ से ख़त्म हो चुका है कि उसके अंदर का जो आर्टिस्ट है ना वो कहता हुँ. है उसको रेस्ट चाहिए वो रेस्ट छः महीने का ले लेते हैं अब वो छः महीने में से एक महीना ऐसा आएगा जिस दिन वो रात को तड़पेगा का काम करने के लिए ये ये एक आर्टिस्ट के अंदर की चीज़ है। ये। ये पता है नहीं जितने भी आए थे कि फील होता है। जिस तरह मैं एक टाइम पे लिखता था मैं स्टोरीज़ लिखता था चीजें लिखता था। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं रात को तीन बजे उठाऊ एंड मेरा दिमाग चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है और मुझे कुछ लिखना है अच्छा स्टोरीज या मतलब शायरी शायरी मैं बहुत रेयर बहुत रेयर बहुत रेयर लेकिन मैं स्टोरीज बहुत प्रॉपर लिखता था क्योंकि मैंने बहुत पहले एक शो किया था उसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट्स मैंने लिखी थी कुछ और लोगों ने भी लिख के दी थी सही कुछ उस्ताद थे हमारे उन्होंने तो जब मैं खुद लिखता था ना तब मुझे वो एक तड़प पैदा होती थी कि अब और लिखना है अब आ, मजा आ रहा है अब और लिखना है तो रात को जाग के लिखने वाली चीज़ वो पैदा होती है तो आर्टिस्ट इंटरवर्ड होता है लेकिन सिर्फ अपने लिए होता है उसको पब्लिकली जाके अपने आप को ना थोड़ा रखना पड़ता है कि वो एक्सट्रोवर्ट है hmm. क्योंकि आपको स्टेज पे आना होता है आपको प्लेटफॉर्म्स पे आना होता है आपको रेड कार्पेट पे आना होता है hmm. खैर मेरे साथ तो इतना सब हुआ नहीं तो लेकिन फिर नहीं, भी, नहीं, फिर भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू नो अभी तो स्टार्ट हुए बिगनिंग है अभी तो बस करम <laughs> <आ, आ, laughs> है पाक का नहीं आपकी पॉडकास्ट में शुक्र पॉडकास्ट मिली मिलने लगी मिलने मिलने <laughs> <ला। laughs> और आप लोग बजट भी अच्छा दे रहे हैं तो मजा आवा यार तो बड़े यार, यार। क्या यार ये, ये ना बजट वाली बात काट देना अच्छा <laughs> लोगों को तो चल चल रही? चल रही? अभी अभी खत्म हुआ है मायरी के नाम से रिसेंटली तो वो ड्रामा सेंटर में ही था मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट कर दिया एक साइड इनकम के लिए एक साइड सोर्स क्योंकि आपको पता है मल्टीपल मीडिया बेसिक इनकम नहीं हो सकती वहाँ से सही है तो आपको एक साइड ऑप्शन रखने पड़ते हैं अपने पास आपको बिज़नेस स्टार्टअप करना पड़ता है आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं तो अभी रूटीन ऐसी है कि सुबह सो के उठते हैं छः बजे मतलब शाम में और उसके बाद कुछ नहीं दोस्तों के साथ बैठना खाना पीना और जो व्लॉग्स बन गए बन गए व्लॉगिंग लोग कहते हैं कि हम लोग किस तरह करें क्या करें उन लोगों को समझ नहीं आता मैं एक बात बोलूँगा कि हमारे बहुत अजीज़ हैं डेली डेलीगर हैं वो लोग भी तो एक बात मैंने सीखी है कि डेली के के लिए लिए आपको आपको पैसा चाहिए। आपको के लिए भी पैसा चाहिए चाहिए भी सही बात है या तो आजकल के दौर में जो महंगाई चल रही है जो चीज़ें चल रही है आपको हर चीज के लिए पैसा चाहिए आप सिर्फ दुकान तक भी जाओगे ना अगर एक ब्लॉग बनाते हुए <coughs> तो आपको उस दुकान पे भी खड़े होके कोई चीज बाय करनी है तो आपके व्लॉग को एक चीज मिलेगी कि आप कोई चीज खरीद रहे तो आपको पैसा चाहिए हर चीज के लिए और डेली रूटीन की बात है बस उठते हैं खाते पीते हैं सो जाते हैं अल्लाह का शुक्र है चल रही है सादगी सादगी भाई सादगी द तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर था। 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 <laughs> कान गरम हो रहे हैं मेरे <laughs> <laughs> अच्छा माय अभी तो जर्नी में बात करते हैं जर्नी जर्नी हाँ मसूद बुखारी एक्चुअल में मसूद बुखारी बना कैसे ये मेरा सवाल होता है ना मसूद बुखारी मसूद बुखारी बना कैसे अच्छा क्योंकि सबके नाम अमूमन शायद बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मसूद बुखारी अच्छा। लेकिन आप एक अलग से हाँ बिल्कुल हाँ, ऐसी बात है आ, मसूद बुखारी मसूद बुखारी बना कैसे मसूद बुखारी के एलेवेंथ में बहुत कम ग्रेड्स आए थे सही है सही है उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करना क्या नहीं करना ग्रेड से पहले उसको उम्मीद थी कि कम आएंगे तो एक शो था आज से मेरे ख्याल से तीन चार साल पहले ट्वेंटी नाइनटीन की बात कर रहा हूँ आई थिंक ट्वेंटी या ट्वेंटी की तब एक शो आया था पाकिस्तान स्टार के नाम से मैंने सॉरी बाबा मैंने आपसे छुप के उसके ऑडिशन दिए थे इस्लामाबाद में <laughs> उसके बाद मैं घर आया तो मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी तो मेरा एक दोस्त है फरदीन ही इज़ अ ब्रिलियंट डांसर अच्छा वो कराची आ गया उसने कराची आके दोबारा ऑडिशन दी उसकी सिलेक्शन हो गई ऑन एयर चल गया शो जबरदस्त शो ऑन एयर चला मैं बाबा के साथ ही बैठ के देख रहा था बाबा ने कहा तुम क्यों नहीं जाते फ्रॉम नो वेयर अब्बा कहते तुम क्यों नहीं जाते <laughs> आवाज़ तो किसी और चीज़ की थी लेकिन मेरे दिल से आई तो मैंने कहा ये क्या हो गया <laughs> ये बारे चीज़ बारे नहीं होनी चाहिए थी लेकिन एक खुशी भी थी दिल में कि चलो अबा ने एटलीस्ट बोला क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पर इस तरह का कोई बंदा नहीं है सही लाइक है। like, वो आपने वो चीज़ें देखी है ना कि शायद आपने भी ये चीज़ आजमाई हो कि किसी लड़की के साथ बात नहीं करनी और ये वाली चीज़ें एक कंजरवेटिव बैकग्राउंड से मैं आता हूँ तो अपने घर वालों के दिमाग को थोड़ा बताना कि ऐसे ऐसे हैं चीज़ें है। ये सब हैं तो ट्वेंटी में मैंने पहला शो किया और उस शो करने के पीछे आ, उसकी स्क्रिप्ट्स के पीछे उसकी चीज़ों के पीछे सबसे बड़े दो हाथ थे एक तो सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने वहाँ से स्टार्टअप किया ठीक है मेरे पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया उसके बाद आ, दो नाम लूंगा मैं एक आ, सर दिलावर फरहान पंजाब कॉलेज आ, गर्ल्स के इस्लामाबाद और एक सर शाहिद इस्लाम पंजाब कॉलेज बॉयज़ इन दोनों ने इन दोनों ने इतना सपोर्ट किया मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं अपने करियर में कुछ करूँ सो बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे उस टाइम पे इतना, नाएस इतना नाएस सपोर्ट किया आप लोगों ने वो चीज़ देखी कि मेरे अंदर से आ सकती है मेरी आज भी उनसे बात होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है वो प्राउडली अपने कॉलेज में बताते हैं कि हमारा स्टूडेंट था और ये इस तरह करके गया हमने इसको स्क्रिप्ट लिख के दी हमने इसको सपोर्ट किया तो उनके लिए जितनी फख्र की बात है उससे ज्यादा फख्र की बात मेरे लिए क्योंकि उन्होंने एक कंधे पे हाथ रखा था कि बेटा तुम कर सकते हो तुम्हें है वो चीज़ वहाँ से सफर शुरू हुआ और फिर कोविड ने हमारी Hmm, ऐसी, ऐसी की तैसी कर दी। <laughs> हम सब और वहाँ पे जो वहाँ पे कुछ साल हम ऐसी की तैसी होगी उनकी और फिर फिर सफ़र दोबारा शुरू हुआ कराची आया मैं वापस अच्छा ये एक बड़ी मज़े की स्टोरी है लोग कहते हैं कि मैंने वहीं से काम करना शुरू किया वहीं से सब कुछ शुरू किया एक शो आया मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर ही उसके ऑडिशन हुए चीज़ें हुई जिसके जज थे इरफान जुनेजो जोई विकाजी और आमना इलियास निम्ब्रा एक हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस वो भी थी ये सारे जजेस थे इनके हमजा इब्राहिम होस्ट थे तो वहाँ से मैंने अपना एक और थिएटर की परफॉर्मेंस प्रेजेंट की उनके सामने एंड देन उसके बाद जब वो शो में मैं हारा हारा तो दिल हारा नहीं सीखा ये कह सकते हैं बिल्कुल सही बात है एक तरह से सीखा लेकिन उस मोमेंट में मैं हारा था उस मोमेंट में मैं हारा था मेरे पास प्रॉप्स थे जो मैंने बनाए थे अपने और उन प्रॉप्स को मैंने तोड़ा बाहर जाके स्टूडियो के वो मैं हो गया था खत्म कि यार ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि इतना बेस्ट देने के बाद दो स्टैंडिंग ओवेशन लेने के बाद चीज़ें करने के बाद ये नहीं बनता था देन कुछ टाइम गुजरता गया ग्रेजुअली मैंने एक बंदे के लिंक में आया मैंने कहा काम मिलेगा काम मिलेगा काम मिलेगा मैंने लाइफ का वो फेज देखा है सर इस मीडिया इंडस्ट्री में कि मैं यूनिवर्सिटी से फ्री होता था मेरे बैग में तकरीबन तीन से चार ड्रेसेस होते थे एक ग्रीन कलर का बड़ा बैग था मेरे पास hmm. उस बैग में तीन से चार ड्रेसेस होते थे मैं बाइक पे जाता था एक प्रोडक्शन हाउस उसके पास जो भी पेट्रोल पंप होता था वहाँ पे कपड़े चेंज करता था क्योंकि कपड़े मिट्टी से भर जाते थे आपको पता है नॉर्थ hmm. कराची में बहुत मिट्टी है वहाँ से आप डिफेंस तक जाओगे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी मुझे बात हो या फ्रेश हुआ बैग लटका के एक प्रोडक्शन हाउस के बाहर गया उन्होंने मना कर दिया अंदर नहीं जा सकते सही है <coughs> नेक्स्ट पे गया वहाँ मना कर दिया फिर कपड़े चेंज हुए फिर नेक्स्ट पे गया उन्होंने मना कर दिया वापस घर आ गए इस तरह मैं डेली चार दिन प्रोडक्शन हाउसेज जाता था मंडे टू थर्सडे फ्राइडे सेटरडे संडे नहीं जाता था कटिंग मतलब इस दौरान आपने नापा और आर्ट काउंसिल में

उसके अंदर मैं एक्स्ट्रास प्ले कर रहा था आपने कुछ शॉट्स देखे होंगे हारून भागता हुआ आता है mm -hmm. उसके हाथ में बेसबॉल बैट होता है उसके पीछे से एक लंबे वालों वाला लड़का <laughs> भागता हुआ आ रहा है वो मैं नाइस नाइस nice. <laughs> तो मैंने यहाँ से स्टार्टअप लिया फिर कुछ और जूनियर मतलब मैं, आर्टिस्ट junior artist मैंने स्टार्ट लिया mm -hmm. आज भी वो लोग मुझे मिलते हैं जो उस टाइम पे मेरे साथ होते थे तो आज भी वो रिस्पेक्ट करते हैं प्यार देते हैं मैं भी उतना ही प्यार देता हूँ क्योंकि इज्जत जितनी करोगे उतनी आपको मिलेगी बिल्कुल ये सच बात है तो वहाँ से स्टार्ट लिया फिर एक ड्रामा मिला धोखा सही का एक वो शॉर्ट आप उसको कह सकते हैं कि एक दिन का होता था रमजान सीरीज आती है उसके अंदर पर डे पर एपिसोड होती है <coughs> वो मुझे मिला वो मैंने किया बहुत अच्छा गया सबा फैसल के साथ और, और भी बहुत सारे एक्टर्स थे उनके साथ वो ड्रामा बहुत अच्छा गया कट टू एक साल बाद अच्छा उस दौरान एक साल में कोई काम नहीं कोई काम नहीं जीरो वर्क और ये कब की बात है ये दो हज़ार दो हज़ार बाईस की अच्छा बाईस पिछले साल की हाँ, पिछले साल की बात है कट टू जनवरी सेवन नहीं सॉरी जनवरी फोर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मुझे एक कॉल आती है बिग बैंग से नाइस जहाँ मैं दो साल से ऑडिशन दे नाइस जाता हूँ काम आया नहीं है काम नहीं बाद में बिग इज प्रोडक्शन बिग बैंग ने हमेशा याद रखा है जब भी कोई इस तरह का करेक्टर आया मेरे ऑडिशन आगे किए हैं चीज़ें किए हैं hmm. तो बिग बैंग ने बहुत सपोर्ट किया बिग hmm. बैंग <coughs> ने बुलाया मुझे एंड uh, मैंने जाके ऑडिशंस दिए अपने ऑडिशन दिए तो डायरेक्टर खड़े हुए थे मीसम नकवी ओह नाइस तो वो नापा में भी होते थे hmm. आर्ट्स काउंसिल में भी थे hmm. <coughs> बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं मीसम भाई से मिला था नापा और आर्ट्स काउंसिल मुझे अचानक जहन में आया मैंने एक ऑडिशन दिया था नापा में जहाँ पे वो एज अ जज बैठे हुए थे उन्होंने कास्टिंग करनी थी अपने किसी प्ले के लिए तो वहाँ उन्होंने क्लिक कर लिया वहाँ उन्होंने क्लिक कर लिया था, था। उस वक्त मेरे लंबे बाल थे उन्होंने चीजें बताई थी कि तुम्हें तो गंजा होना पड़ेगा या तो, तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है विक लगा लो तो मैंने गंजा होना प्रेफर किया लेकिन वो खैर हुआ नहीं चीजें नहीं हुई शो डिले हो गया चीजें हुई आई डोंट नो क्या था जो भी लेकिन खैर मिसम भाई दोबारा मुझे मिले मैंने ऑडिशन दिया ऑडिशन खराब गया अच्छा ऑडिशन में गंजा होना पड़ा नहीं 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 ऑडिशन में गंजा नहीं होना पड़ा वो ऐसा सीन था उन्होंने बोला था आप ऑडिशन राउंड तो क्लियर कर चुके हैं अब जब शॉर्ट लिस्ट होंगे ना और अगर आप आते हैं इसके अंदर तो आपको हो सकता है कि आपको गंज गंज करवानी पड़े तो ये वाला सीन था सही है। अब <coughs> मीसा भाई मेरे मीसम भाई ने पूछा क्या कर रहे हो उस वक्त मैं काम कर रहा था एक कॉल सेंटर में नाइट जॉब कर रहा था तारिक रोड पर एक है टी एल एफ वहाँ मैं नाइट जॉब कर रहा था तो सुबह मैं फ्री होके और oh, मतलब लाइक मैं रात में जब सुबह आया चार बजे मैं सो गया उठा मैं उठ के आया दिन में तीन बजे यहाँ पे बिग बैंग मैंने ऑडिशन दिए मैं चला गया उन्होंने कहा कि क्या करोगे अगर अगर तुम्हें ड्रामे में सेलेक्ट कर लें मैंने कहा सर मैं जॉब छोड़ दूँगा हो तो दो सेकेंड के लिए उनका पॉज आया कहते हैं जॉब छोड़ दोगे मैंने कहा सर जॉब छोड़ दूंगा आप मुझे बोलें कि आपको कल से आना है शूट पे जॉब आज खत्म सही उन्होंने कहा चलो बताएंगे फोर्टीन <coughs> के बाद ट्वेंटी सेवन सॉरी मैं डेट्स थोड़ी वो कर रहा हूँ लेकिन ट्वेंटी सेवन को मुझे कॉल आती है कि नेक्स्ट मंथ से शूट है नाइस oh, nice. और आप अच्छा ये बड़ी मजे की चीज़ है तो उन्होंने मुझे ये बोला मायरी ड्रामे की मतलब मायरी ड्रामे की मायरी ड्रामे की अब मैंने ऑडिशन जो दिया था जिस ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया गया था वो करेक्टर था अहमद का सही है फ़ाखिर का दोस्त ठीक है लीड का दोस्त मुझे ये करेक्टर ऑफर किया था मैं खुश था पंद्रह दिन का काम मिल रहा मतलब है और सपोर्टिंग रोल रोल मिल मिल गया मिल गया।, मिल गया मैं जिसको कहते हैं ना लिटरली चल रही थी और मैं कह रहा था कि भाई अब तो जिंदगी ना एक अलग मोड पे चली गई अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन मेरा शूट था ना उससे एक दिन पहले मुझे एसोसिएट है हमारे जैन उन्होंने बोला कि सेट पे आओ डायरेक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं डर पैदा हुआ ये क्या हो गया डायरेक्टर डायरेक्ट डायरेक्ट दिल में ना वो एक छोटा सा बॉम्ब फूटता है ना वो फूटा था मैं चला गया साइड साइड पे साथ पे पहुंचा आ, मैंने वो ग्लासेस पहने हुए थे तो मीसा भाई ने कहा ग्लासेस उतारो सबसे पहले मैंने ग्लासेस उतारे निशा भाई मुझे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारा करेक्टर चेंज कर दूँ अब वहाँ पर थोड़ा डर पैदा हो गया कि यार कौन सा मिलेगा ये खामोशी थी हाँ सही है ये खामोशी थी सही है पहले चार सेकंड तो खामोशी थी अब मेरे दिमाग में चल रहा है काम मिला था चला गया अब क्या करूँ करैक्टर अच्छा होगा नहीं होगा क्या चीज़ें होंगी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता उस है तो पूरा पढ़ लिया था क्या स्क्रिप्ट पढ़ ली थी नहीं नहीं, नहीं उसका कुछ भी नहीं पढ़ा था ऑन साइट मिलती है स्क्रिप्ट ज्यादातर क्योंकि मैं कोई लीड नहीं कर रहा था ना मुझे पहले से चीज़ें मिल जाएं या कुछ भी मैंने अहमद की चीज़ें पढ़ ली थी क्योंकि एक दिन बाद मेरा शूट था अहमद की चीज़ें मैंने बहुत सारी पढ़ ली थी जो सीन्स में हमने शूट करने थे अब आ, सीन ऐसा होता है कि मीसम भाई बुलाते हैं फाखर को जो लीड कर रहे हैं उसके साथ मुझे खड़ा करवाते हैं अब हम दोनों खड़े हुए हैं अब फाखर की हाइट में से लंबी तो मीसम भाई कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा दोनों एक साथ खड़े हुए हो तो मीसम भाई बुलाते हैं जैन को दोबारा जैन को बोलते हैं इसको हमज़ा का करेक्टर बताओ चलो हमजा का करेक्टर पढ़ लेते हैं अच्छा उस टाइम तो आपको नहीं पता हमजा का हमजा क्या है क्या करेगा कुछ नहीं पता मुझे सही है मैंने कहा ओके मीसम भाई पढ़ लेते हैं सांस चली गई hmm. अंदर गया जहन ने करेक्टर बताना शुरू किया वो जो मूड मेरा गिरा था ना वो आसमान फाड़ के निकल गया hmm. हमजा एक काइंड ऑफ काइंड ऑफ काइंड ऑफ एक मेन पार्ट था उस स्टोरी का कहीं ना कहीं hmm. जो ड्रामे में आप लोग स्टोरी देख रहे हैं hmm. उसका कहीं ना कहीं एक मेन पार्ट था <coughs> तो मैं खुश मैं वापस घर आ गया अब पाँच दिन के बाद मेरा शूट है दोबारा अब मैं कर रहा हूँ हमजा शूट से एक रात पहले मुझे कॉल आती है दोबारा मिलना है डायरेक्टर से ऐसा <laughs> <ही हुआ। laughs> <इसा> नहीं हुआ <laughs> हर बार तो नहीं होगा हर <laughs> बार डायरेक्टर के इससे इससे मिलने के लिए मैं हर बार टाइम निकलूँ ऐसा तो नहीं हो सकता ना। <laughs> नहीं सही है तो एक कॉल आती है जैन की मैं उठाता हूँ कॉल मैं कहता हूँ सुबह शूट के बारे में बता रहा होगा मुझे जैन कहता है हमें अहमद नहीं मिल रहा तो मैं अहमद करोगे <laughs> <laughs> मेरी जिंदगी हिल गई थी उस टाइम पे अच्छा हमजा का करेक्टर अहमद से बिकता बहुत बड़ा करेक्टर है हमजा अच्छा। हमजा पूरे ड्रामे में दिखा है जो ऑडियंस इस वक्त मायरी देख रही है उसको पता है हमजा क्या है सही है सही है, सही है।, सही है। तो <clears throat> ये कॉल के बाद मैं हिल गया मैंने जैन को बोला जैन ऐसे नहीं करो मैं नहीं कर पाऊंगा जैन कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें बता रहा हूँ मुझे डायरेक्ट आ जाती है बिग बैंक से कॉल मैंने कहा खत्म भाई कहानी गई आप काम ही नहीं कर रहे अब <laughs> बिग बैंक से कॉल आती है सर मुझे कहते हैं कि बेटा नहीं मिल रहा तुम्हें करना पड़ेगा तुमसे बात हुई भी थी हमारी और पता नहीं अल्लाह की करनी है मेरे मुंह पे आ गया आ, नवीद भाई मैं नहीं करूँगा नवीद भाई मैं नहीं करूँगा हमजा का करेक्टर बहुत अच्छा है आप लोगों ने मुझे दिया मैं हमजा का करेक्टर करूँगा तो ये चीज़ आ गई मेरी जबान में मुझे नहीं पता कैसे आई आ गई नवीद भाई कहते हैं चले आपको बताते हैं और ये बहुत अच्छी बात थी पता है क्यों मैं ऐसा इस बात पे ही कनेक्ट करता हूँ क्योंकि वो उस रोल में चला गया था और अगर वो दोबारा से अहमद हाँ अहमद का करेक्टर अगर वो करता ना तो शायद वो जस्टिस नहीं कर पाता हो, हो सकता सकता है हो सकता है तो अब आधे घंटे किसी की कॉल नहीं आई मैं खड़ा हुआ हूँ जौहर की एक रोड पे जिसके बिल्कुल सामने है चाय कहानी और मैं उस रोड पे टहल रहा हूँ अकेला रात के एक बजे <laughs> कॉन्टिनेंटल की गली पे क्या कर रहे हैं आप सर <laughs> 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 रात के एक बजे वो भी खतरनाक तो चाय कहानी बैठे हुए थे अब जब ये कॉल आई ना उसके बाद तो मैं हिल गया था उसके बाद मुझे भी नहीं पता था मैं क्या हूँ छूट रहे हैं एक इंसान खत्म हो रहा होता ना। है ना क्योंकि उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ क्या होगा क्या नहीं होगा आधे घंटे तक कोई कॉल नहीं आई मैंने कहा अहमद भी गया हमजा भी गया काश अहमद पे हाँ बोल देता तो शायद हमजा का इतना दुख नहीं होता तो अब हमजा पे हाँ बोल दी अब अहमद चला भी जाएगा बाह मतलब सब चला जाएगा हाँ ये सारे तो थोड़ी देर के बाद जैन की कॉल आती है जैन कहता है यार मसूद एक जरूरी बात करनी है

इंसाइक्लोमीडिया ने बुला लिया <laughs> अच्छा ये हमारी हो रही है अप्रिशिएट <laughs> हो रही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा मीडिया <laughs> <In> <laughs> <इन> ओ oh, भाई nice. <laughs> <laughs> अरे असल में हम लोग तो तलाश में रहते हैं कोई हमें मिल जाए <laughs> मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अमार कहना चाह रहा था कब से आज इसके आवाज से पता चल गया ये अमार की फीलिंग लग रही है <laughs> गुड़ यार गुड यार गुड गोल बस आपका नाम सुनता हूं तो माथे पे पसीना आ जाता है <laughs> तो बस जर्नी जरनी मसूद बुखारी बोल रही है <laughs> ले यार। यार, तो यार। के कुछ उतार चढ़ा हुआ है में। और ने अल्हम्दुलिला, अल्हम्दुलिला, अल्हम्दुलिला। उसका उसने, उसने माँ बाप की दुआएं दी उसने उस्तादों की दुआएं दी मैं बात कहता हूँ लोगों को यार आ, मैंने अपने सर से सीखे सर शायद से जब माँ कमरे में आए ना यार माँ कितनी दफा कमरे में आती है आप खुद बताएं एक बात कोई दस पंद्रह दफा आती होंगी

उसको रिस्पेक्ट देना उसको उसके साथ प्यार से रहना एक माँ के साथ आपका रिश्ता ही अलग होता है बचपन से आपको पालती हैं बड़ा करती हैं स्कूल जाना ये वो खाना पीना सब कुछ वो देख रही होती हैं आप अपनी बातें बताते हो मामा मुझे ये करना है बाबा से बोल तो देना जरा एग्जैक्ट exactly. मुझे बाहर जाना है जरह, बाबा हम, को बोल दें ट्रिप पे जाना है मुझे ये करना है माँ से बात होती है तो माँ का प्यार बहुत एक ना रुई जैसी चीज है जो आपके पास हर वक्त रहती है कभी भी कभी बाप से उस तरह का प्यार किया किसी ने कभी बाप से उस तरह का प्यार किया ये वैसे ही दो बच्चों का बाप है सर यही बात है, बात है। तो ये फील कर सकता है। आप फील कर सकते उस चीज को तीन ऐसा ही है बिल्कुल हमारी ऑडियंस को ये चीज समझनी है नहीं ओ माय गॉड सेल ऑल ऑफ दिस वो नेक्स्ट लेवल लेके चलेंगे आज भी रहे तो नहीं। सही नहीं। होता है होता है रियली सही है तो मिस इंडस्ट्री भाई मैंने ये चीज नोटिस की आपका जब एक लड़का जवान होता है ना लड़कियों की बात नहीं करूंगा मैं जब एक लड़का जवान होता है ना वो बाप से बातें छुपाते हैं <laughs> सही है वो बाप को हर बात बता नहीं सकता खुल के सही है वो देखता है बाप पूरा दिन काम कर रहा है नौकरी पे जा रहा है चीज़ें कर रहा है खाना लेकर आ रहा है सब कुछ कर रहा है पैसा ले रहा है सब कुछ ला के घर में प्रोवाइड कर रहा है रात में आता है थकता हारता सो जाता है बाप और थकता हारता आता भी है तो वो जिस कमरे में आता है हम लोग वहाँ से उठ के किसी और कमरे में अरे क्या बात है था। पे <laughs> <नहीं, बताओ। laughs> ये ये एक वो तो ड्यू टू द रिस्पेक्ट है ना कि तू कर गया है शोर ना हो आप बहुत एक नहीं डायरेक्शन में मैंने सामने रख लिया था

मैं उसको ये भी नहीं बोल सकता था अब्बा ये शर्ट आपके ऊपर अच्छी लग रही है mm. मैं ये भी नहीं बोल सकता था कि अब्बा आप ये पहने ये अच्छा लगेगा मैं वो चीज भी नहीं बोल सकता था ये मैंने सेल्फ नोटिस की है ये चीज ये फर्स्ट ईयर में जाने के बाद में थोड़ा सा चेंज हुआ डर था डर था काइंड ऑफ डर होता है एक बाप का जोन अलग होता है आपकी पूरी फैमिली में

वो सोते सोते ना आपको दुआएं देगा वो कह रहा होगा अल्लाह तुझे खुश रखे hmm. तुझे अच्छी ज़िंदगी दे तुझे कामयाबी अता करे सब कुछ बोलेगा तुम रोज दवाओ रोज तुम्हें कितनी दुआएं मिलेंगी hmm. और एक दिन एक दिन निकालो अब्बा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं या गेट खोल के अंदर आ रहे हैं ना hmm. तो अब्बा को जाके गले लगा लो और अब्बा से पंद्रह <coughs> मिनट अकेले में बैठ के बात करो अब्बा आपका दिन कैसा गुजरा अब थके तो नहीं आप इंटरेस्टिंग है अब्बा खाना खाया था दिन में hmm. आपकी तबीयत ख़राब रहती है कभी दवाई आपने ली थी रात को सोते हुए दूध पीना है आपने hmm. कभी बाप से पूछो बाप की आंख से आंसू ना आया तो मेरा नाम बदल देना ये सच बात है लिटरली hmm. अभी मैं घर पे था आपने मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो सब घर वाले सो रहे थे hmm. सब घर वाले सो रहे थे पौने चार बजे का टाइम था बाबा बिजनेस के किसी काम से फ़ोन पे लगे हुए थे कुछ ट्रक्स आ रहे थे चीज़ें आ रही थी तो वो काम में बिजी थे अपने मैं गया अब्बा के पास बेड पे लेटे हुए थे तो मैं जाके गया साथ तो मैं साथ लेटा तो अब्बा ने फ़ोन कर दिया बंद अब्बा ने फ़ोन बंद किया मैंने अब्बा ने एक घंटा बात की है रैंडम बातें की हैं लेकिन एक घंटा बात की अब मैं छः छः महीने बाद आठ आठ महीने बाद अपने घर जाता हूँ और मैं लिटरली मैं लिटरली अपने बाप को उस तरह टाइम नहीं दे सकता क्योंकि वो एक बॉन्डिंग बनी नहीं बचपन से ये हम हमारे टाइम के हर बच्चे का ये सीन है कि अपने बाप से एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनी माँ से तो बहुत अच्छी है बाप से अच्छी नहीं है तो वो जो एक घंटा मैंने दिया ना मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी उसके बाद मैं सुकून से सोया हूँ मैं सुकून से सोया हूँ अगले दिन मैं सुबह उठाऊँ मेरे बाप ने मुझे गले लगाया मैं पिघल गया अंदर से नाइस यार पिघल गया अंदर से गुड यार वेरी मैंने मुझे हर एक मोमेंट याद आया कि यार मुझे ये चीज चाहिए थी मेरे बोलने से पहले मेरा बाप ने मुझे लाके थी तो बाप एक बहुत प्यारी चीज है यार उससे अच्छा। प्यार तो करके देखो तो मे, मेरा और मेरे बाप का रिश्ता पता है कैसा मतलब मजेदार सी कहानी है मेरे अब्बा और मेरी हमेशा लड़ाई होती है एक बात पे वो नूनली के सपोर्टर है मैं पीटीआई का सपोर्टर हूं बस नो <laughs> पॉलिटिक्स नो पॉलिटिक्स नो पॉलिटिक्स बस हम लोग घंटा अच्छा मज़े मजेदार चीज ये भी प्यार है वो मुझे रेफरेंसेस भेजेंगे तो ये देखो तुम्हारे इमरान खान ने ये कर दिया मैं बोलता हूं ये देखो <laughs> <गया। laughs> मतलब ये भी एक ये भी एक पता है वो एज फैक्टर है आप शादीशुदा हैं आपके दो बच्चे हैं सॉरी तीन आगे तो बच्चे तो आपका एक वो चीज़ डिफरेंस आ गया वो डिफरेंस खत्म हो गया आपका अपने बाप के साथ वो पता है बेटा जवान हो गया कमा रहा है घर पैसे भी लेकर आ रहा है सारी है। <laughs> मसला ये नहीं कमा

आ, रात में सोने जाए ना उसके पैरों में ना थोड़ा सा तेल लेके उसके पैरों की मालिश कर दो वो गहरी नींद में चला जाएगा गहरी नींद में चला जाएगा और वो दुआएं देते देते दिल में बाप की बाप की एक बड़ी खास चीज़ है पता है ये मैं अपने ना मसूद एक और बात करता हूँ मेरा बेटा है ना आ, माशाला से अभी वो एक डेढ़ साल का है वो जब मुझे देखता है ना रूम में तो मेरी तरफ भागता हुआ बात अच्छा मुझे कहीं जाना है एक एक दो दफ़ा ऐसा होने लग गया मेरी वाइफ ने ना मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात बोली मैं क्या करता था मैं भागता था अब मुझे पता ही पीछे पड़ जाएगा और बोलेगा उठाओ उठाओ मुझे लेके चलो हम ओब्सली घर पे स्टूडियो हुआ है तो मुझे यहाँ पे बैठ के टाइम देना है तो मैं नहीं दे पाता तो मैं दरवाज़ा ना बंद करके ना भाग जाता था दो तीन दफ़ा ऐसा हुआ तो मेरी वाइफ ने मुझे एक बात बोली कि आज तो तुम उसके सामने दरवाज़ा बंद कर रहे हो ना कल को जब वो बड़ा होगा ना तो वो तुम्हारे सामने जब तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद करेगा ना क्या बात करें फिर तुम्हें रिलइज़ होगा आप बुला रहे हो और वो बाहर जा रहे हो बाहर से आया तो ये जो रियलिटी चेक है ना ये मुझे समझ आई कि हम बचपन से ही हम कर हैं। अपने बच्चों के हम, हम में ऐसा डाल देते हैं हम अपने बाप को उस तरह से ट्रीट नहीं कर पाते अक्सर और प्रॉब्लम ये है कि हमारी भी गलती हैं जब मैं बाप बनाऊँ ना तो हम भी अपब्रिंगिंग वैसी कर ही नहीं पाते कि वो इतना क्लोज हो पाए यार आई एग्री विद यू पॉइंट लाइक अब इससे मुझे एक सवाल ज़रूर है कि लाइक फॉर आइडली फॉर यू फॉर मसूद के बाप और बेटे का बेसिकली एक रिश्ता कैसा होना चाहिए बाप और बेटे का जो रिश्ता है ना आजकल के दौर में अच्छा नहीं है उसको बहुत गहरा होना चाहिए हम लोग सुनते हैं कि मकाफाते अमल होता है कल को आप भी बाप बनोगे जब आपका बेटा आपके साथ बैठेगा नहीं ना अपने दिल की बात आपसे करेगा नहीं सही। जब तक वो ये नहीं बोलेगा कि बाबा आज मुझे ये मिला स्कूल से ये प्राइज़ मिला बाबा मामा से तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता पता नहीं उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लेकिन ये बात तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इसीलिए मैं आपके साथ अकेले बैठा हूँ तो बाप और बेटे का रिश्ता बहुत गहरा होना चाहिए और ये हमें जितने भी पेरेंट्स हैं जितने भी पेरेंट्स हैं उनको ये सिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि आपकी फर्स्ट कॉल आपके पेरेंट्स होने चाहिए एग्जैक्टली exactly. So, hmm. और जितना जितना बच्चा घर में रहता है अपनी माँ से प्यार करता है ना उस माँ को भी सिखाना चाहिए कि बाप भी उतना जरूरी है hmm. तुम्हारा बाप पूरा दिन मेहनत करता है यार गुड तुम्हारा बाप पूरा दिन पसीना बहा के वापस आता है लिटरली hmm. <coughs> मैंने मेरी सिस्टर की शादी थी जब मेरे बाप की आंखों से आंसू गिरा है ना पहली दफा मैंने देखा है वहां मैं मैं टूटा आ, मैं टूटा मैंने बाप, बाप को तो गले मैंने, मैंने मैंने मैं खुद भी नहीं गया मेरे अब्बा क्योंकि मैं अब बड़ा मेरी बहन की शादी हुई अब मैं बड़ा तो मेरे बाप ने आके मुझे खुद गले लगाया और वो रो रहा था तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम अपने बाप का कंधा हो ये समझो बात बेटियों ने चले जाना है बेटे ही होते हैं जो सहारा बनते हैं और आजकल के दौर में आई एम सॉरी टू से आई एम सॉरी टू से अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो बेटे-गैर वालों का सहारा नहीं है दूर है सेड रियलिटी ये सेड रियलिटी है और हमें चाहिए हमें चाहिए जितना माँ से क्लोज है ना उतना बाप के भी करीब है उसकी खुशी एक अलग है, है। वो बोलता नहीं है लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार है प्यार है सही बात ये है ये बात है तो बस कुछ आई लव यू बाबा यार मैंने कभी नहीं बोला आपको

आवाज <coughs> 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 अब भारी होगी है ना बहुत ज्यादा कोई डायलॉग कोई मशहूर डायलॉग मशहूर डायलॉग नहीं वो कुछ इस तरह है कि मैं एक शीशे के ऊपर ना एक शायरी लिख रहा होता हूँ तो उसके अंदर आता है कि तेरी मुस्कुराहट मेरे दिल को खुशी देती है तेरी आँखों की चमक मेरी जिंदगी को रोशन करती है काश तो मेरे ख्वाबों की ताबीर हो जाती काश तो मेरे ख्वाबों की ताबीर हो जाती मेरी जिंदगी ख्वाबों से हकीकत बन जाती या, या वो ऐसा सीन है कि उसकी शादी हो चुकी है एंड वो टूट गया खैर दिस इज अ वेरी सैड टॉपिक मैं आपकी आपके सवाल पे आता हूँ लेकिन मैं ऑडियंस को ये बताता चलूँ कि हमजा इज अगेटिव कैरेक्टर को पे ग्लोरीफाई नहीं किया जा रहा ये समझना बहुत जरूरी है बहुत सारी चीजें इन्होंने ड्रामे में दी हैं अगर आप ड्रामा गौर से देखो तो आप ये चीज समझोगे कि यहां पे ग्लोरीफाई कहीं नहीं किया जा रहा चाइल्ड मैरिज को वो दो छोटे बच्चे हैं पंद्रह पंद्रह साल के जिन्होंने स्कूल जाना है जिन्होंने पढ़ना लिखना है जिन्होंने सारी चीजें mm -hmm. करियर बनाना है अपना करियर बनाना है एंड आप उन दोनों को एक शादी के उसमें जोड़ रहे हो दिस इज़ वेरी रॉन्ग और ये आजकल के माशरे में हो रहा है और ये चीज़ समझना बहुत बहुत जरूरी है कि एक एक छोटी सी चीज़ है अगर आप लोग कहीं देखेंगे भी या आप लोगों ने नैचुरली ने ऑब्जर्व किया होगा अर्ली मैरिजेज में डाइवोर्स रेट बहुत हाई होता है इस ड्रामे में भी वो चीज़ दिखाई गई है। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं बहुत सारे मसले हैं बहुत सारी चीज़ें हैं सॉरी वो इस ड्रामे में बताई गई हैं लोगों को लग रहा है जो लोग मैं मीसम भाई की एक पॉडकास्ट देखी थी मैं सेम उसी बात पे आऊँगा उन्होंने बोला था लोग टिकटॉक पे ड्रामा देखते हैं अब टू बी वेरी ऑनेस्ट वो मेरी बात हो रही है hmm. क्योंकि वो चीज़ मेरी ही चल रही है मैं एक शादी में जाता हूँ मेरा प्यार चला जाता है वो सारी चीज़ बट हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि एक बहुत अर्ली एज में शादी हो रही है हम मेन गोल को मिस करके आजकल पाकिस्तान में या क्या दुनिया में हर बंदा टूटा हुआ है Hmm. ये सच बात है समझने वाली hmm. बात है। हर बंदा टूटा हुआ है आपको एक सैड स्टेटस मिल गया आपको तला तला hmm. मेरी जिंदगी पे oh. आजकल हर इंसान एक डार्क रियलिटी में जी रहे इस को अगर मैं ड्रामे की तरफ लेकर आऊ तो हमसा द करेक्टर आई एम प्लेइंगेक्टर वो करेक्टर गलत कर रहा है उसके अंदर इतनी अक्ल समझ होनी चाहिए उसको इतनी गाइडेंस होनी चाहिए कि एक लड़की और एक लड़का अब निकाह में है वो दोनों अलग नहीं हो सकते एक मज़बूत रिश्ता है इस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल है और अर्ली एज में रिश्ता निभाया नहीं जा सकता एक सीन है मैं उसका जिक्र करूंगा ड्रामे के अंदर फ़ाखिर जो होता है मुझे एक कैफ़े में बुलाता है वहाँ पे एनी को भी वो लेके जाता है और एनी को बोलता है कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है फ़ाखिर इज़ प्लेइंग सॉरी समर इज़ प्लेंग फ़ाखिर एंड एना आसिफ इज़ प्लेंग एनी एंड आई एम प्लेंग हमजा तो हम तीनों उस कैफे में खड़े हुए और वहां पर वो बोलता है कि तुम इससे शादी कर लो और इसके साथ भाग जाओ तुम और घर वाले मान जाएंगे कुछ अरसे में कोई मसला नहीं होता वहाँ पे हमज़ा गलत है हमजा को सोचना चाहिए था कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए दोनों दोनों निका में हैं दूसरी चीज़ फ़ाखिर को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए अभी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है निका Hmm. आपकी शादी हुई है ना आप इस चीज़ को समझ सकते हैं बिल्कुल ऐसा एक है। एक बड़ा मजबूत और बड़ा रिस्पेक्टफुल एक रिलेशन है hmm. एक अर्ली एज में जब बच्चे ना समझ है जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई हुई गुड पॉइंट जब yeah. उनकी बहुत सारी चीजें खराब चल रही hmm. तो जब उनको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए अपनी चीजों पर फोकस करना चाहिए तब उनकी शादी हो रही है तो <coughs> इसमें कहीं पे भी कहीं पे भी इस ड्रामे में चाइल्ड मैरिज को ग्लोरीफाई नहीं किया गया मतलब एक रियलिटी को एक रियलिटी को सामने रखा गया कि गलत हो रहा है कहीं ना, 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 ना कहीं इन दिस डेज अभी भी होता है होता है, होता है।, होता है।, होता है। आ, हमारे सेट पे एक लड़की आई थी आई डोंट नो वो कौन थी क्या था तो मीसम भाई जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हमें उनसे मिलवाया अब उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी एंड वो लड़की अराउंड 19 या 20 की होगी उसके हाथ में एक साल की बच्ची थी तो दिस इज द रियलिटी अब वो उस बच्ची को उसने पालना भी है अपने घर का भी ध्यान रखना है एक एज में जहां पे उसको पढ़ना था उसको अपने गोल सेट करने थे उसको अपनी चीजें करनी थी वहां पे वो ये सारी चीजें हो रही हैं इस ड्रामे में भी ये दिखाया गया है कि हर बंदे की एक अर्ली एज में शादी हुई है जिसकी वजह से उसको कोई ना कोई दिमाग में साइकी चल रही होती है mm -hmm. उसके कोई ना कोई मसले हो रहे होते हैं कोई ना कोई इस तरह की चीज़ हो रही होती है सो वेरी बेसिक पॉइंट कि चाइल्ड मैरिज को इस ड्रामे में मायरी में ग्लोरीफाई नहीं, नहीं किया जा रहा चाइल्ड मैरिज के मसले बताए जा रहे हैं mm -hmm. उसके नुकसान बताए जा रहे हैं कि डाइवोस भी हो सकती है आगे जाके इन फ्यूचर मसले हो सकते हैं आपकी पढ़ाई तो रह गई ना hmm. पढ़ाई तो hmm. चली गई hmm. <coughs> वो बच्चा है अभी स्कूल जा रहा है। hmm. और उसके ऊपर so, बहुत, hmm. बहुत सारी चीजें तो ड्रामे को उस वे में समझें हाँ मेरा करेक्टर है वो एक अलग चीज है अच्छा एक और चीज एक और चीज एक बहुत ही बेसिक पॉइंट आजकल के माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा तो बाहर जाके कुछ भी नहीं करता वो बाहर गया ट्यूशन गया पढ़ने के लिए hmm. कुछ भी नहीं कर रहा वो <laughs> आपको क्या लगता है सच है आप भी एक लड़के की एज से गुजरे hmm. आप भी एक वो गुजरेज से आप गुजर के सारी चीजों में सॉरी मैं आपका माइक बार बार हिला रहा हूँ कोई मसला नहीं आप भी वो एक एज से मुझे सुकून नहीं है पता एक <laughs> मचती है तो कोई बच्चा नहीं होता सही उस पर सही है हाँ बहुत सारे बच्चे हैं बिल्कुल सही हैं वो क्लियर एक अपने ट्रैक पे हैं उन्होंने अपना विजन बनाया लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, है। मैं ये नहीं कह रहा किसी माँ बाप की अपब्रिंगिंग गलत है मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं आ रहा मैं ये कह रहा हूँ बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है बच्चे की जो सोसाइटी है बाहर की वो इस तरह की हो गया एंड आपको आपको देखो इस ड्रामे में भी ये चीज़ दिखाई गई है फिफ्टीन से लेके नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी तक की एज के जितने बच्चे हैं उनके दिलों में कहीं ना कहीं ना वो एक स्पार्क पैदा होता है सही है वो प्यार का हम्म वो अट्रैक्शन का एक स्पार्क वो ऑब्सेशन का एक स्पार्क जब हिट करती तो वो, वो होता है स्टार्ट होता है, है। ये हम सारे इस बात से एग्री करेंगे सर की कोई कहानी हम बाद में सुनेंगे तो सर एक्साइटमेंट में चली है छोड़ के चला गया तो सब कुछ नया नया था फूल खिल रहे थे तो <laughs> आ, <टुनुनुनुनुनुनु>। <laughs> <laughs> तो <coughs> खैर जितने भी पेरेंट्स हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को इस्लाम hmm. क्योंकि कुरान क्यों में हर बात अल्लाह ने बताई गई है hmm. इस्लाम में हर चीज बताई गई है कुरान से और एक सही तरीके से चीजें बताएं कि अगर इस तरह करोगे तो गलत होगा इस तरह करोगे तो सही होगा वी नो कि इस एज में होता है आपको कोई ना कोई पसंद आ जाता है या कुछ होता है आप लोग देखते हो वेलेंटाइंस डे है आपके पास सोशल मीडिया है आपके पास दस चीजें हैं आप गलत काम भी कर सकते हो आप गलत चीजें भी कर सकते हो लेकिन दिस इज योर डिसीजन क्या पे जाना। हाँ कल को आपको भुगतना पड़ेगा और ये जो एज है ना सॉरी मैं फिफ्टीन मैंने कहा था या फोर्टीन मैंने कहा था थर्टीन से ही अगर आप शुरू कर देना क्योंकि बच्चा मेच्योरिटी की तरफ आ रहा है आजकल का दौर पीछे नहीं है hmm. आजकल के बच्चे जवान है बिल्कुल सही बात तो <laughs> सही है पेरेंट्स को चाहिए आई थिंक पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ खुलें थोड़ा सा खुलें आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो ना आपको थोड़ा सा हाँ आपको भी आइडिया है तो अपने बच्चों के साथ खुलें उनको बताएं कि बेटा ये हम आपके पिलर्स खड़े कर रहे हैं इन्हीं पिलर्स पे आपको चलना पड़ेगा हम कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे दिस इज योर कॉल अगर हम आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे आप ये चीज ज्यादा करोगे एग्जैक्टली ऐसा ही है आपको समझ होनी चाहिए कि भाई मुझे एक लड़की से प्यार हो गया वो लड़की छोड़ के चली जाएगी तुम्हारा दिल टूटेगा ऑब्वियसली टूटेगा तुम्हें पता है इस एज में प्यार सच्चा नहीं होता सही है वैसे सी एच में मुझे नहीं लगता कि प्यार सच्चा होता है सर <laughs> मैं आपको एक बात बताऊं आई कांट से मच सीन्स कुछ ऐसे हैं कभी रोड़ी कपी सक्कर <laughs> <laughs> ये कदे रोड़ी थे कदे सक्कर आए <laughs> <laughs> क्या <ते जासे> <laughs> बात है ये तो एक बात कर दी आपने बड़ी सही खैर तो हम थोड़ा ज़्यादा टॉपिक को ट्रैक कर रहे हैं बस ये है कि मैं पेरेंट्स को एक एडवाइस करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को बताएं उनके पेलर्स खड़े करें उनको बताएं दिस इज़ राइट दिस इज़ रॉन्ग भले अगर आप बहुत खुल के नहीं बता सकते तो इस्लाम की रूह से आप बताएँ क्योंकि अल्लाह आक ने कुरान में दिया हुआ है और हर बच्चा पाकिस्तानी मुसलमान कोई भी हो कुरान पढ़ता है वो नमाज़ पढ़ता है तो उसको बताना चाहिए अगर आप बहुत खुल के नहीं बताना चाह रहे आप बहुत इंग्लिश होके नहीं बताना चाह रहे दबे, 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 दबे। अल्फाजों में उनको समझाएं उनको बताएं और अगर बच्चा इतनी हिम्मत कर सकता है कि वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करे तो उसको करना चाहिए और पेरेंट्स को उसको एक पॉजिटिवली समझाना चाहिए क्योंकि दो बंदे अगर कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना तो उनके बीच में एक पॉजिटिव मैन होना जरूरी है पॉजिटिव मिडल मैन बहुत जरूरी है एग्जैक्टली पॉजिटिव मिडल मैन दोनों एंगल्स को देखो अगर माँ गुस्से वाली है बच्चा माँ को बताता है माँ तुम चाहिए क्या बेगैर्दियाँ कर रहे हो क्या ये कर रहे हो क्या वो कर रहे हो स्कूल जाना बंद ये बंद फोन बंद लेकिन बाप को काम डाउन होना चाहिए बाप को काम डाउन होना चाहिए जब वहीं पे अगर अगर बाप गुस्से में है तो माँ को काम डाउन होना चाहिए और दोनों को एक पॉजिटिवली बच्चों को बताना चाहिए कि देखो बेटा ये तुम्हारा राइट ट्रैक है ये तुम्हारा रॉन्ग ट्रैक है बी केयरफुल दुनिया बहुत खराब है आपको खा जाए

हो गया हाजिर में रहो और आगे बढ़ो लेकिन जब तक आप उस चीज़ों से उन जख्मों से कभी हील ही नहीं हुए तो क्या अलबत् बच्चे पे वही चीज आएगी या बच्चे बच्चे पे कोई और दूसरा बच्चा मतलब एक अलग माइंड सेट कर तो यार यही है कि पहले अपने आप को पहले शादी करने से पहले मैं बोलता हूँ भले वो बारह से साल का हो तेरह साल का हो या अठारह साल का हो मैं बोलता हूँ अगर इंसान अपनी जिम्मेदारी ले रहा है जो अपने एहसास के कह लो एक सेल्स ऑफ सेल्फ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं ना कि मैंने कोई बात गलत की है तो मैं सोचता हूँ उस पर दो बार कि मैंने शायद बात सही तो नहीं की अगले की मैं मैं फिर आंखें भी देखूंगा और उसकी शक्ल भी देखूंगा कि कैसे मैंने बात सही की नहीं की तो वो चीज़ समझना वो बेबुला अगर गलत लगी बात बुरा लगा तो उसे माजरत करना ये अखलाक है तो मैं बोलता हूँ अगर दुनियादारी है और दुनिया खराब है है बुरे भी हैं वो मेजोरिटी में और जो इंसान शायद अच्छा है वो शायद बुरा भी है किसी के लिए तो हमें क्या करना है हमें एक सेम करंट पे रहना है अगर कोशिश कर सके तो तो वही करंट है कि भाई हुई बात की, की सुन्नत और ये उस उस बात की कि अल्लाह से ज्यादा जरूरी है खबर में सवाल है सवाल है अल्लाह पूछेगा की भाई अल्लाह कहागा कि तूने मेरे लिए नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी खैर खैर जाने दे लेकिन तूने किसका दिल दुखाया है ना तू बेटा आजा तूने तो तो वो तो सब तेरे घर में गर तेरे घर में गोश्त बना था और पड़ोसी, पड़ोसी को खुशबू आ गई थी हाँ और तूने उसको दिया नहीं दिया ना बहुत भाई ये तूने क्या किया क्या और पाता? हम बीमारी कीओं की तरफ जाते भी नहीं जाते नहीं जाते सर जरूरी है कि हम पड़ोसियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं अरे सर मुझे एक बात बताएं आजकल के दौर में आपको ये नहीं पता आपके ऊपर वाले फ्लोर पे कौन शिफ्ट हुआ है सही बात है नहीं पता सही नहीं बात पता, है। आप में रह रहे हैं, आपको नहीं पता आपको ये नहीं पता आपकी गली के एंड में घरों तक आपको वो करना चाहिए exactly. अगर आपने खाना बनाया आपको घरों तक देना हुँ। चाहिए आपको पता है आपके सराउंडिंग में चालीस घर है वो देना चाहिए लेकिन आपको ये नहीं पता आपसे एक घर छोड़ के अगले घर में कौन नया बंदा आया है वो हम भूल चुके हैं बड़ी बात कर रहा हूँ कर रहे हो मुझे ये भी नहीं पता होता इवन मैं अपने आप को रख के कर रहा अगर किसी गली में किसी की मैत भी हो, हो जाए ना माफ़ कर, करे अल्लाह माफरत करे तो मुझे वो भी नहीं पता तो किसकी हुई है क्योंकि हमने सर हमने वो चीज़ें छोड़ दी है छोड़ छोड़ हम हम बहुत दूर चले गए अच्छा <coughs> मैंने एक चीज़ देखी है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आई एम रियली सॉरी टू से आई एम रियली सॉरी टू से लेकिन <coughs> वो इस्लाम की बात करने से थोड़ा झिझकते हैं आई डोंट नो क्यों उनके अपने रीजंस हो सकते हैं लेकिन जहाँ मुझे मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं और करनी भी चाहिए यार करनी भी चाहिए सर आपने आपको क्या लगता है आपने क्या अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे इस बात से मेरे मुंह में खाक क्या आपने लकड़ियों पे जलना है क्या आपने हवा में ब्लास्ट हो जाना है जहाज में इस तरह की तो नहीं है ना हमारी सोच हमने तो कबर में जाना है ना हमने अल्लाह को जवाब दे होना है जब आएंगे फरिश्ते हाँ क्या किया नहीं सही बात क्या तुमने सूर्य मुल्क पढ़ी क्या तुमने रोज सुबह उठ के अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह मैं तो सो गया था तूने मुझे नई जिंदगी दी उसके लिए तेरा शुक्र जो बात है क्या तूने पांच वक्त नमाज पढ़ी मैं तहजद गिनता ही नहीं तूने पांच वक्त पढ़ी जो मैंने चल करे पांच भी छोड़ दे तू एक पढ़ लेता यार तू जुम्मे के जुम्मे पढ़ लेता ये तो है ये बात जरूरी है कि मतलब आई थिंक जो फर्ज okay, क्या नाम उनका है उनका यार मैं नाम भूल गया खैर तो उनका ये था कि भाई नमाज फर्ज है उसका तो सवाल सवाल है कि पढ़ी क्यों नहीं फर्ज है उसकी मतलब उस तो उसमें कोई नहीं नहीं, 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 है, नहीं नहीं है।, नहीं है।, नहीं नहीं है। और इधर हमें याद भी नहीं होता हमने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ी अल्लाह माफ़ फरमाए हमें याद भी नहीं होता हमने कौन सी आखिरी नमाज पढ़ी सर मैं एक बहुत चीज़ ऐसी बात करूँगा बहुत लोग नहीं करते आई एम सॉरी टू से लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पाक भी नहीं रहते ये फैक्ट है बिल्कुल ऐसे ये है। फैक्ट है। साफ रहना जरूरी अल्लाह माफ करे ये बातें कर रहे आपको ये बात पता होनी चाहिए मैं ज्यादा डीपली नहीं बोलूंगा अभी इस पे इसके बाद बड़ी खतरनाक फेस पे उस पर बात करेंगे चावल के दाने से बड़ा बाल हो वहां तो पे हराम है एग्जैक्टली आप पे हराम exactly. है एग्जैक्टली हराम छोटा लफ समझते हैं गाली देके कोई बंदा चला जाता है ना हरामी हराम बहुत बड़ा लफ है जो बात है कई बार हम नहीं समझते इस चीज को तो खैर ये बहुत एक डिटेल में चीजें हैं कुछ बंदा डिस्कस करने बैठता तो है तो झाड़ियां बन जाती हैं झाड़ियां काटना जरूरी है खैर To the next topic. <laughs> uh, <laughs> <सही>? <laughs> तो नहीं चलो सीरियस सीरीज अच्छा सीरियल लाइक अबाउट यू नो फॉर यू द मोस्ट इमोशनल कह लो एक्सपीरियंस लाइक यू नो एक पर्स्पेक्टिव कहलाता है फिटिंग इन अदर पीपल शूज तो तुमने कभी इस तरह की कुछ एक्सपीरियंस की है कि एक तुमने कोई एक फ़ॉर एग्जाम्पल uh, तुमने किसी और पर्सनैलिटी uh, को अडेप्ट किया और एक्सपीरियंस किया मतलब किसी करेक्टर में चले गए एक्टर में चलेगा आपने ये सवाल पूछा हमें बहुत अच्छा लगा वो <laughs> <ना। laughs> <laughs> 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 <ना। laughs> तो, तो एक एक ऑफ टॉपिक चीज़ है लेकिन खैर पता नहीं आई डोंट नो मुझे डिस्कस करना चाहिए नहीं करना चाहिए लेकिन यू टेल द एक्सपीरियंस डजन मैटर कि वो कहाँ से अपॉर्चुनिटी है लेकिन थोड़ा सा ग्लिम दे देना उसका आइडिया दे देना छोटा सा अच्छा अच्छा कुछ ऐसा सीन था कि सुनने में आया था नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में आया है और पहली वेब सीरीज़ बन रही है कुछ ऐसा और ऑडिशन हो रही है अवाम जमा है उन्होंने कहा था उन्होंने सारे थिएटर के बंदे उठाने हैं कुछ बड़े एक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं पहले से कास्ट हैं और इस तरह का कुछ सनेरियो बना था आई वेंट फॉर दी ऑडिशन्स गुरु मंदिर के पास तारिक रोड के पास ही था ऑडिशन मैं गया ऑडिशन के लिए बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा उन्होंने कहा कल आ जाना ओके बड़ी चीज़ है टाइम लगता है अगले दिन मैंने ऑडिशन दिया मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो थोड़ा ऐसा करेक्टर था जो मुझे नहीं आता था लाइक like, मेरी आवाज़ उस तरह की नहीं थी मेरा चलने का अंदाज़ उस तरह का नहीं था मेरे बोलने का अंदाज़ उस तरह का नहीं था मैं वो चीज़ नहीं था कहीं से भी नहीं हुँ। था हुँ। मैंने ऑडिशन दिए उन्होंने कहा वर्किंग की ज़रूरत है मैंने कहा मुझे पंद्रह मिनट दें मैं इसको बेटर करने की कोशिश करता हूँ एक बात मुझे अच्छी लगी उन्होंने मुझे बोला कि एक तकिया पकड़ो उसको मुंह में चबाओ दांतों के बीच में और चीख मारो जोर से तुम्हारी आवाज़ पतली हो जाएगी वो करेक्टर था सॉरी करेक्टर था ट्रांसजेंडर का ऑडिशन दे दिए उन्होंने कहा चलो गुड है क्योंकि उनको तीन से चार चाहिए थे ट्रांसजेंडर्स के करेक्टर के लिए लोग मैंने कहा ओके गुड सीन हो गया यार अब कुछ बेहतर कर दिया मैंने अब उन्होंने कहा इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है आपको तकरीबन तो एक डेढ़ महीना तो प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी वो एक चीज़ बने खैर वो ग्लिम्स आए चीज़ें आई वो चीज़ ख़त्म हो गई वो पता नहीं कुछ स्कैम हो गया क्या हो गया जो भी हुआ लेकिन उस करेक्टर के लिए मैं पंद्रह दिन कराची की रोड पे एक पिंक कलर का ड्रेस पहन के मेकअप करके बाल लगा के घूमा उस करेक्टर को देखने के लिए सही है। मतलब उस करेक्टर को समझने के, लिए।, को समझने के लिए सही है। मेरे लिए कुछ चीज़ें ना बहुत मुश्किल हो गई थी अब सीन ऐसा है कि मैं ना आई एम रियली सॉरी टू से सबको अच्छा किस किस को पता था इस बारे में मेरे बहुत करीबी दो चार दोस्त को इस सामने बैठा है इसको पता था सही है। और इस तरह के दो चार दोस्त हैं सिर्फ उनको पता था क्योंकि मैं डरता था मैंने किसी को बता दिया लोग मुझे क्या बोलेंगे एक सीरीज आएगी उसके अंदर मैं करेक्टर कर रहा हूँ दैट इज़ फाइन बट इफ आई एम डूइंग इट लाइक इन कराची इन पाकिस्तान और कराची की सड़कों पे और कराची की सड़कों पे और मैं किसी को बता के कर रहा हूँ आपके दोस्त आपकी बजा देते हैं आपको हाँ जी है। जी है। जी जो है भी जो, भी वो आपकी बजा देते हैं है। ये बात सच है ठीक है आई डोंट नो पता नहीं अब बजाए ना मुझे <laughs> <laughs> अब मुझे अब मुझे वो वो नहीं है वो तो हो गया किसी ने देखा ही नहीं ना मुझे मेरा क्या एंजॉय करो सर आई एम रियली सॉरी टू से आई एम रियली सॉरी टू से बोलना नहीं चाहिए ऐसे मुझे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं मुझे मर्दों से नफरत होगी मैं अपने आप को शीशे में नहीं देख पाता था ये पंद्रह दिन है पंद्रह दिन हर दिन पिछले दिन से बुरा हर दिन पिछले दिन से बुरा hmm. सर अता भाई एसन भाई सीन ऐसा है कि आई रिस्पेक्ट दम आई रिस्पेक्ट ऑल दी ट्रांसजेंडर्स मेरा उनको सल्यूट है कि वो किस तरह रह रहे हैं इस, इस इस तरह के लोगों के बीच में वो कैसे रह रहे हैं आपने वो डी ग्यारह देखी है मैं सईदाबाद से उस डी ग्यारह में बैठा डी ग्यारह थी या जो भी थी वो एक रेड कलर की बस आती है मुझे यहाँ पे बसेस का नंबर नहीं पता डब्ल्यू ग्यारह डब्ल्यू ग्यारह थी या हाँ। जो भी थे तो मैं उसमें बैठा बूढ़ा लड़का मिडिल एज का बंदा चिपक के बैठ रहे हैं हाथ लगा रहे हैं दिस इज वेरी सीरियस दिस इज वेरी सीरियस हम लोग उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते सर द पॉइंट इज ट्रांसजेंडर को ग्रैप करना इजीली है शायद तो वो ओपनली ग्रैप करने की बात नहीं है बस यही है कि अगर इंसान अपने को खुदा ना समझे ना खुदा भी नहीं शैतान ना समझे तो बेहतर है अपने ऊपर इतनी पावर अथॉरिटी वो जिस यार मुझे फ़र्द का पॉडकास्ट याद आ रहा है ने बिल्कुल स्ट्रेट अवे बात बोली थी जो कि बिल्कुल फैक्ट है मुझे बुखारी की बात से भी वो बात याद आ कि हमारी आवाम ठरकी है सर सब हाँ। नहीं है सब नहीं है सब नहीं है सब, सब, नहीं, सब नहीं, नहीं है, है। आप सही है मतलब सर एक एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है जो बहुत खराब है सर मैं मैं पहले दिन हूं। मैं लिटरली तीन बजे के अंदर तीन बजे के बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी एक एक लड़के को भी देख सकूं मेरा दिल रहा था मैं फाड़ के फेंक दूं तो मैं आपको एक बात बताता हूं बस तो छोड़ा क्यों नहीं मतलब एक दिन करके ऑब्वियसली कंटिन्यू क्यों किया सर वो करेक्टर तो गम देख के आना था वो करेक्टर करना था मुझे लोगों को देखना था कि लोग मुझे किस निगाह से देखते हैं मेरे अंदर मेरे अंदर वो गिल्ट आता है मेरे अंदर वो शर्म आती है मेरे अंदर वो चीज़ सर ट्रांसजेंडर्स की एक बहुत अलग जिंदगी आप लोग नहीं समझ सकते हो सर मुझे एक मिली ट्रांस वूमेन अब उन्होंने मुझे बोला है तुम बहुत छोटे हो मत करो <laughs> तुम कहाँ रहते हो मैंने कहा मैं कहीं भी रहूँ उससे तो मसला नहीं है hmm. मत करो तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे घर आके देंगे मत करो सर <laughs> <Nice. Sir. laughs> <laughs> <laughs> खतरनाक बात है अंडरस्टैंडिंग पीपल फिटिंग इन द शूज दैट्स व्हाट इट इज <laughs> मेरे लिए बहुत मैंने आज तक तो किसी के साथ डिस्कस नहीं, नहीं, नहीं really नजरों के साथ गंदी चीजों के साथ तुम लोग जी रहे हो ना आई आई कैन फील दैट मुझे पता है एक बस में चढ़ने के बाद ना जब दस लोगों ने आपको घेरा हुआ होता है ना आप एक सेंटर में खड़े होते हो आपने कहीं दूर उतरना होता है Hmm. तो कौन आपके कहाँ हाथ लगा रहा है कौन आपको किस तरह से टच कर रहा है कौन आपके आगे या पीछे किस तरह खड़ा हो रहा है ये चीज आपको पता लगती है और आपको शर्म आती है एक लड़का होने पे एक मर्द होने पे आपको शर्म आती है ये बात सच है ब्रेक लेते हैं आई थिंक नहीं नहीं सीन है कोई तो मसला नहीं है खैर तो so, मैं रियूज करना चाहूंगा ये लोगों को आ, सच है, है कहीं ना कहीं डार्क रियलिटी है बहुत, ये मतलब इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता और ये जिनके साथ होता है वो ही बेहतर समझ सकते हैं और मैं तो अप्रिशिएट करूंगा यार पता भाई सर मुझे शर्म आती है ये रोल के लिए पता नहीं यार नहीं नहीं इसकी बात से मैं बड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ लाइक आई दिस मैं उस इन जॉर्ज रंगे बैठा था तो लाइक आई डोंट नो हु वाज सिटिंग विद तो एक एसिड विक्टिम आपने बताया था मुझे यस तो वी डिसाइडेड एक्चुअली टू डू अ पॉडकास्ट विद दैट बट अनफॉर्चूनेटली थोड़ा सा इतना हम लोग बैक एंड फोर्थ तो, तो हुए बैक एंड फोर्थ हुए के वो सर ये जो लोग ये लोग जब आएंगे ना हम्म पॉडकास्ट में आ, मैं आपसे शर्त लगा के कह रहा हूं इनमें से कोई जो भी आएगा ना वो रो पड़ेगा बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि वो जिंदगी गुजार रहे हैं यार सर, वो जिंदगी गुजारने तुम ने 15 दिन गुजार गए तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए सर 15 दिन ना मैं बीच में से 5 6 दिन छुपते छुपाते गया हूं लोगों के बीच में से नहीं आप लोग नहीं मैं सर कोई इमेजिन नहीं कर सकता आप उसको किसी एक किसी ट्रांसजेंडर या किसी एक आ, ट्रांस वुमन को बिठाएं सही है मैं किसी भी इस तरह कम्युनिटीज़ वगैरह को सपोर्ट नहीं करता लेकिन आप इन लोगों को जब बिठाएंगे ना यहाँ पे सर जब वो बातें करना शुरू होंगे ना आपकी पॉडकास्ट तीन चार घंटे से कम में खत्म नहीं होने वाली खत्म होने वाली उन्होंने पैदा होने के बाद से आज तक की दुनिया देखी है जब घर वाले छोड़ के चले गए उस कम्युनिटी में रहना उनके घरों में वो लोग किस तरह रहते हैं किस तरह मिल बांट के चीजें करते हैं किस तरह सारी चीजें उन लोगों की चलती हैं वो बाहर से वापस घर आते हैं सर वो लोग स्मोकिंग करते हैं बहुत सारे हैं ऐसे स्मोकिंग करते हैं हम उसके ऊपर भी जज नहीं कर सकते हैं उनको हम लोग हम लोग करते, लो करते हैं उसमें क्या हम लोग जज कर रहे होते हैं कि ये कैसे रोड पर घूम रही हैं और हम लोग सर आपस में मजाक में बोल देते हैं सर ये बहुत गलत है बहुत गलत है सर उन्होंने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी हुई है ना अपनी एक मर्द नहीं गुजार सकता एक औरत भी नहीं कभी गुजार सकती उनकी एक अलग दुनिया है एक अलग ज़िंदगी है उनको लोग धुतकारते भी हैं उनके साथ गलत भी होता है उनको लोग मारते भी हैं लाते भी मारते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको गालियाँ भी पड़ती हैं कि हो जाओ इधर से मतलब लाइक बहुत चीज़ें हैं सर मैं क्या डिफाइन करूँगा मैं कुछ नहीं हूँ अच्छा मस्कूड सही बहुत खैर ये तो एक बहुत वो हो जाएगा वो हो जाएगा आई थिंक हाँ। uh, कोई बात नहीं कोई हाँ इसको थोड़ा सा फेस फेस करते हैं लाइक like, सड़कों से याद आया क्रेजी फैन मूवमेंट अरे <laughs> आ क्रेजी थोड़ा थोड़ा क्या बात है क्या ट्विस्ट लाया थोड़ी बीच में ट्रांजिशन तो डाल दो लगे फ्लूइंग बनता डायरेक्ट डायरेक्ट एंट्री मारी सर

और रात के अलावा मैं घर से बाहर निकलता नहीं हूँ नाइन्टी परसेंट चांसेस हैं कि मैं रात को ही घर से बाहर निकलूंगा उसके अलावा नहीं निकलूँगा क्रेज़ी फैन मोमेंट्स तो नहीं है कुछ ज़्यादा खास कुछ लोगों ने शादी के प्रपोजल भेजे हुए हैं कुछ लोगों ने इंस्टा पे और वो तो एक हाँ एक थोड़ा है क्रेज़ी तो नहीं कहूँगा खैर क्योंकि मैं उनसे मिला नहीं वो फैन मोमेंट है मैं इस्लामाबाद घर गया था हम कुछ टाइम पहले तो किसी एक बच्ची ने मुझे देख लिया था सही है डोंट नो हर नेम आ, मुझे सही से पता नहीं है पता नहीं दुआ नाम है या क्या नाम है जो भी नाम है उन्होंने मुझे देख लिया अब वो मेरे घर तक आ गई मेरे घर तक आ गई सही है मैं घर पे नहीं था <coughs> एक बार आई कहीं रात में सात आठ बजे मैं घर पे नहीं था बाहर तक कहीं दोस्तों वोस्तों के साथ एक दिन गुजरता है नेक्स्ट डे मैं दोबारा घर पे नहीं होता दिन के दो बजे की गर्मी है इस्लामाबाद की गर्मी ऐसी होती है जिसके अंदर हवा भी नहीं चलती दो बजे की गर्मी है सही है एंड तकरीबन ढाई बजे मेरे अब्बा की मुझे कॉल आती है बाय हूँ बाकी कॉल आती है कहा पता नहीं कोई काम होगा मैं कॉल उठाता हूँ अब्बा कहते हैं कि एक लड़की आई थी तुमसे मिलने के लिए मैं मेरे से मिलने के लिए लड़की आई थी तो अब्बा कहते हैं तुम्हारी कोई फ़ैन वैन थी मैंने कहा अच्छा 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 तो कहते हैं घर आई थी घर आई थी आपने घर बुला लिया तो ये क्या तो कहते हैं कि नहीं नहीं वो दो बजे आई और बहुत गंदी गर्मी थी पसीने से भीग रही थी कह रही थी एक बार मसूद से मिलवा दें और वो मेरे मुझे मूवमेंट नहीं मिल सका कि मैं उनसे मिल कर आता तो अगर आप ये पॉडकास्ट देख रही हैं आप जो भी हैं थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए अब्बा ने उनको गाड़ी में बिठाया उनको उनके घर की गली में ड्रॉप किया mm. आप बेटा घर जाएं वो जब भी घर आएंगे तो आई थिंक मेरे छोटे भाई ने मुझे उसकी इंस्टाग्राम या कुछ भेजा हुआ है वो कह रहे थे कि इनको रिप्लाई कर देना मुझे वो उस तरह से मिल नहीं रहा टाइम भी नहीं मिल रहा चीज़ें भी नहीं हो पा रही कि मैं उनको रिप्लाई करूँ और आपने तो कर दिया रिप्लाई मैंने बस रिप्लाई कर दिया अगर आप तो ये देख रही हैं तो खुश रहें थैंक यू सो मच जो आप इतनी गर्मी में उठ के मेरे घर आई हैं प्लीज। <laughs> बाकी, किसी को बताना नहीं मेरा घर कहाँ पे है और मेरे होते हुए उन्होंने कहा था बस एक पिक्चर देता दें बहुत गर्मी में आई हूँ तो अब मेरा दिल कर रहा है मैं उनसे एक बार मिल लू मैं चली जाऊंगी मैं कुछ नहीं बोलूँगी तो बस वो मैं एक पिक्चर नहीं ले सका लेकिन इन फ्यूचर जब भी मैं घर जाऊँगा अगर उन्होंने देखा तो मैं जरूर इनशाला मिलूंगा आपसे बाकी खुश रहे तो ये एक थोड़ा था क्रेजी टाइप का चीज अच्छा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को किस तरह देखते हैं लाइक like अभी आ, आ, आप काम भी कर रहे हैं इंडस्ट्री कैसी है हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है एक बहुत मैसिवली ग्रो कर रही है और एक बहुत पॉजिटिवली ग्रो कर रही है मूवीज़ बैक टू बैक आ रही हैं मूवीज़ बैक टू बैक आ रही हैं हमारे ड्रामाज हिट आ रहे हैं बैक टू बैक इंडिया In में में हमारे ड्रामास बहुत चलते हैं लाइक like मेरा मेरा कमेंट सेक्शन मैंने कोई इतना मेजर काम नहीं किया हमारी में। hmm. लेकिन अगर आप खोलेंगे उसके कॉमेंट्स में जाएंगे लव फ्रॉम इंडिया लव फ्रॉम बांग्लादेश लव फ्राम नेपाल लव फ्राम मतलब हर जगह से hmm. तो बाहर के लोग हमारे ड्रामास बहुत देखते हैं ये पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है देखिए मैं इंडियन ड्रामास को रोस्ट नहीं करूंगा या कुछ ऐसे नहीं बोलूंगा इंडियन के बात करता है बात हाँ, तो बताता आ, इंडियन अच्छा अगर इंडियन ड्रामास हैं तो मैं उसके ऊपर ये चीज बोलूंगा कि इंडिया के पास फिल्म के डायरेक्टर्स हैं फिल्म के डी हैं फिल्म के लोग हैं एक्टर्स ज्यादा हैं तो उनके उसमें एक फिल्मी वाइब बहुत शुरू से आ रही है क्योंकि इंडिया ग्रो ही अपनी फिल्म्स की वजह से किया है पाकिस्तान ग्रो ही अपने ड्रामा की वजह से नो डाउट no पाकिस्तान की बहुत सारी अच्छी फिल्म्स आई हैं मैं मना नहीं कर रहा एक ड्रामे है। का एक अलग मतलब महीने बाद एक सीजन चल रहा होता है हर एक ड्रामा ट्रेंडिंग पे जा रहा अगर इसी तरह चलता रहा एंड हमारे जो राइटर्स हैं लोग हैं वो इसी तरह का अच्छा कॉन्टेंट लिखते रहे तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को तो कोई नहीं रोक सकता आ, कभी तो बंगले से बाहर तो कैसे निकल नहीं नहीं सकते ये एक सवाल है बंगले से बाहर क्यों नहीं निकलते बंगले से बाहर क्यों नहीं निकलते <laughs> सर, <आपुछ> नहीं होंगे <laughs> सर

नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार देखें हर चैनल हर बंदा प्रोड्यूस कर रहा अच्छी चीज प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है बनाने की कोशिश करता है वो डिपेंड करता है कि उसके डायरेक्टर का उसकी टीम का उसके आर्टिस्ट का उसके क्रू मेंबर्स का क्या गोल है उन्होंने ड्रामा को या अपनी फिल्म को किस डायरेक्शन में लेके जाना है नबील कुरेशी इज़ डूइंग ग्रेट जॉब फिल्म्स में अभी मौला जट बहुत प्यारी मूवी है जो तीन साल से रुकी हुई थी आ, नबील भाई एक बहुत ही डिफरेंट काम कर रहे हैं इसी तरह पाकिस्तान के और बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे मैं बात है सबका नाम तो नहीं ले सकता लेकिन अचानक दिमाग में क्लिक किया नबील भाई नहीं, अभी नहीं। भाई अभी मीसम ने बेटिया बनाया उसके बाद मायरी बनाया मायरी इज अपर हिट ड्रामा बेटिया सुपर हिट नहीं, था नहीं। तो हमारे पास जो न्यू एक्टर्स है जो न्यू वेव आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है अच्छा लेकिन एक चीज है ना मैं ये भी देख रहा था भाई आप भी थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन किएगा कि मैंने देख रहा हूँ कि यार बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आने लग गए हैं हाँ यम्स ना अच्छा मैंने बड़ी ये ट्रू आई थिंक टिक टॉक की वजह से वट आई सी के uh, अपना जो एजेंसीज थी बेसिकली स्पेसिफिक टू आई वॉन्ट द नेम्स तो उनका बेसिकली थोड़ा मार्केट आई थिंक

आर्ट होती है ना आर्ट hmm. को निकलने का जरिया चाहिए होता है saying, yeah. <laughs> जब मेरे अंदर नई नई आर्ट आई थी ना hmm. जब मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला था आई वेंट टू टिक मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी कोविड के टाइम में मैं क्या hmm. करूँ मैं घर पे बैठ के बेडंगी वीडियोस बनाता था सही है

प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स बिस्किट्स आपको निहारी मिलेगी आपको फिरनी मिलेगी आपको ईद पे बिरयानी बनती है गोश्त बनता है कोरमा बनता है आपको हर चीज़ मिलेगी hmm. और मेरे ख्याल से आई थिंक मैंने जो न्यूज़ में भी पढ़ा है वो एक आ, उनका वो आया था आर्टिकल टाइप आया था उसके अंदर भी ये लिखा था आई थिंक डॉन न्यूज़ का था या किसका था उसके ऊपर भी ये लिखा हुआ था hmm. कि ये पाकिस्तान की वाहिद बंदी है जो इस तरह का काम कर रही है एंड ब्रिलियंट काम कर रही है वेरी नाइस nice मैं guy. वो काम देख के लिटरली क्रेजी हो गया nice. बहुत प्यारा काम है बहुत प्यारा काम है उनका जबरदस्त मैं बहुत स्पेसिफिक लोगों को इंस्टा पर फॉलो करता हूँ mm -hmm. या तो मैंने इनके साथ काम किया है mm -hmm. या तो मैं एक राघव को फॉलो करता हूँ इंडिया से mm -hmm. जो एक स्लो मोशन किंग कहलाया जाता That's, है डांसर है yeah, yeah. मैं उस बंदे का क्रेजी फैन लाइक मैं अगर कहूंगा ना कि

अतः भाई आपने लेकर आना ये आपका चैलेंज है चलो हर आर्टिस्ट की एक अपनी कला है उसका एक अपना कैलिबर है वो उस कैलिबर से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकता <coughs> मान ली लेकिन वी वुड लव टू नो तुम्हें आ रहे पांच पसंदीदा आर्टिस्ट कौन है भाई हर एक कौन है मतलब मसूद के मतलब मसूद जिनको देखे जाए इंस्पिरेशन लेता है इंस्पिरेशन मेरी कोई इंस्पिरेशन नहीं है मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ बता दूँ क्यों।, <laughs> क्यों बता दूँ क्यों सही है आपकी इंस्पिरेशन है शाहरुख खान आप शाहरुख खान बन सकते हो नहीं, <laughs> नहीं।, <laughs> नहीं बन सकते ना <laughs> आप उसके लेवल पे नहीं जा सकते बिल्कुल सही नवाजुद्दीन नहीं जा सकते मैं दो बॉलीवुड के मैंने नाम ले लिया बहुत प्यारा काम है आप नवाज नहीं बन सकते पाकिस्तानी आज जावेद शेख चलो आ, मतलब टॉप में आ आ गया गया नहीं नहीं, 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 <laughs> नहीं मैं ऐसे कोई नाम नहीं ले रहा मेरे जहन में जो नाम आ रहा है मैं वो ले रहा हूँ योर फेवरेट आर्ट फेवरेट आर्टिस्ट दैट्स व्हाट वी मीन करैक्टर कोई और कर ही नहीं सकता में हम सोच रहे थे हमें त्रिपाठी आए देखा मिर्ज़ापुर वो आए वो कोई नहीं कर 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 सकता था शायद भी भी सकते थे। not doubting anyone, कर भी सकते थे थे लेकिन जितना वो उसके ऊपर जचा है ना मैंने अभी रिसेंटली पांचवी दफा देखी है मिर्ज़ापुर यार तो यार कब आएगा सीज़न सीजन सीज़न नहीं मेरे दिमाग में ना लेजर से बेहतर कोई जोकर नहीं देखा ओ, बस। क्या काम है ना अभी मैं किसको वो करूंगा तो शायद का काम है यार बहुत सारों ने ऐसा काम किया है नो डाउट बहुत अच्छा अच्छा काम किया है लेकिन हमने सबसे ज्यादा देखा उसको है समझा उसको है सही बात Adopt उसको है है चलो चलो टॉप फिल्म बता मूवीज़ मूवी लगी यू कैन बहुत खराब है, बहुत मूड ख़राब बुरा दिन गुजरा आज तो यार चलो या, ये भी देखते हैं अच्छा आप मुझे कुछ ऑप्शंस दें मैं उसके अंदर से चूज करता रहता हूँ ये तो बहुत सारी मूवीज है शौक से देखता था अगर मर्डर तो वो तो किसने नहीं देखी भाई। है वो तो चाइल्डहुड का एक प्यार जाए जाए पाकिस्तानी मीडिया में आ जाए लॉलीवुड में आप जाए झुकेगा <laughs> <का> नहीं आप कहीं भी आ जाए सर वो होता था ना यूं वो फिल्म मजे की थी चले सब छोड़ दें सर वो साउथ इंडिया की फिल्म वो मजे की थी जिसके अंदर वो एक एक्सीडेंट होता है और घोड़ा जा रहा होता है ट्रक के नीचे से बंदा जम मारता है ट्रक के ऊपर से उड़ता है वहां से बच्चे को कैच करता है बच्चे को कैच करने के बाद घोड़ा खड़ा होता है वो आके घोड़े पे बैठता है और फिर बच्चे को बचाता है ये वाली अच्छा। <laughs> ये वाली मूवीज अच्छी है एक और एक और था ना वो जो ऑपरेशन चल रहा होता है वो, वो दिल है और वो जाके ये ये वाली चीजें रहे थी बाकी हर बंदा अच्छा काम करता है हर बंदा अच्छी चीज बनाता है आई लव एंड सपोर्ट एवरी थिंग सही है जो भी जिस भी तरह का कॉन्टेंट बना रहा है मैं स्पेसिफिकली किसी चीज का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऑब्वियस ही बात यार है हर चीज अच्छी है पहला बंदा ऐसे जा रहा तो तुम लेकिन तुम्हें मतलब तो स्लिप नहीं होने देंगे स्लिप <laughs> नहीं होने देंगे हालांकि लेकिन, लेकिन तुमने मिर्ज़ापुर बता दिया ना मिर्ज़ापुर किसको नहीं पसंद ये तो मसला संजू इज अ ग्रेट मूवी संजू इज है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ना रणबीर कपूर भाई भाई बंदे ने वैसे जो क्या संजू मूवी है ना हाँ संजय दत्त with इशूज विद रिलेशनशिप विद laws अच्छा तूने तूने बोला बोला हाथ लंबे हाँ, पीछे एक हाथ है सर एक सर मैं, 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 मैं पे <laughs> एक बात करना चाहूंगा ऐसा भाई वो बात ये है कि हम बॉलीवुड हॉलीवुड इनके आर्टिस्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं इनका काम बहुत अच्छा देखते हैं अच्छा है नो डाउट है।, हाँ. है अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करना सीखो जो बात है अभी खुशाल खान अच्छा काम करके ऊपर आ रहा है फीमेल एक्ट्रेसेस भी बहुत सारी अच्छा काम करके ऊपर आ रही है अभी मैंने रिसेंटली इन लोगों के ड्रामे के क्लिप देखा था आई थिंक दनानीर है इनके साथ ये लोग अच्छा काम करके ऊपर आ रहे हैं तो वी शुड सपोर्ट आर आर्टिस्ट हमारे पास लेजेंड्स हैं यार ऐसे नजआज हैं हमारे पास Uh, क्या नाम है जावेद शेख है जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट है।, है हमारे पास अली है। जफर है हमारे पास आतिफ असलम है जो बात है हमारे पास हर तरह का बंदा है यार हमारे पास अलामा इकबाल है यार जो बात है फैक्ट आर्टिस्ट है यार तो मैं ये कहता हूँ कि अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करना सीखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली क्योंकि अच्छा। अगर हम अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे

तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया इस तरह की परफॉरमेंसेस की हैं ओपन माइक्स किए हैं लाइव परफॉरमेंसेस की हैं है, है। लेकिन प्रोफेशनली प्रॉपर एक थिएटर नहीं किया आई ट्राइड टू अप्लाई जिस तरह मैंने आपको बताया भी था उसके लिए वो हो नहीं पाया तो बस अच्छा मतलब लाइक like कोई सच ऐसा डूरिंग सेट कोई ऐसा एक्सपीरियंस ऑबवियसली आपने बहुत अच्छे बड़े एक्टर्स के साथ भी काम किया

सीन करने के बाद आपका लगा हुआ तो आप उतारना भूल जाते हो कभी बार एक दो बार लगा रह गया सो so, एक एक्ट्रेस हैं उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ऐसे नहीं किया करो उन्होंने समझाया ऐसे नहीं किया करो आ, जो अंदर रूम की जो गॉसिप्स mm. होती है ना वो बाहर नहीं जानी चाहिए mm. तो ये एक बात मैंने सीखी उनसे और अगर nice. तो आप एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं सेट का तो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है लोगों ने ये सीन मायरी में देखा होगा मीसम भाई ने मुझे बोला अपनी जिम्मेदारी पे करना है तो करो वरना मत करो उन्होंने खुली छूट दी जब भी मैं सेट पे जाता था मीसम भाई कहते थे शाहरुख खान बन जा ख़त्म कहानी वही चाहिए मुझे तो एक वो वाली चीज़ थी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे गाइड की समझाई एक बेटे की तरह तो आई रिस्पेक्ट दैट मैं मीसम भाई बोलता हूँ कभी सर बोलता हूँ वो रिस्पेक्ट में होता है सब कुछ तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला एक सीन है मेरा जहाँ पे मैं दीवार के ऊपर चल रहा हूँ Same. चलते चलते आता हूँ uh -huh. और मैं एक पोल को पकड़ता हूँ नीचे बैठता हूँ वहाँ पे मेरी कजन आती है हम दोनों की कुछ कन्वर्सेशन है <coughs> वो मुझे कहती है कि जाओ दोस्तों के साथ वगैरह वगैरह uh -huh. और इस तरह का एक सीन है अब वो तीन से चार मंजिला बिल्डिंग है Same. उसकी इतनी पतली सी इतनी सी uh -huh. एक वॉल है जिसके ऊपर मुझे चलना है मेरा एक ही पैर आ सकता है उस पर और दूसरी so, साइड पे ओ टाटा बाय बाय अच्छा फिनिश खुदा हाफिज़ वो वाला सीन <laughs> मिस्बन भाई कहते हैं कर लोगे मैं मिस्बन भाई कर लूंगा कुछोसबा आया अंदर से मैं कर लूंगा वैसे <laughs> कर, कर ले मेरी जिम्मेदारी नहीं है तेरे पे जो भी करना करना कर ले मतलब वो वकार सका वाला तो नहीं लिया <laughs> <laughs> आ, वकार भाई

अब वो डर भी है मैं गिर ना जाऊँ फिर डर भी है कि अब तो जबान दे दी तो जबान से हम लोग बड़ा डरते हैं और डरना भी चाहिए अगर आप जबान दे दो तो उतरो फिर उतरो पूरा उतरो अब रिस्क तो है। रिस्क तो तो है हर जगह है तो भाई मैंने अल्लाह का नाम लेके खड़ा हो गया मैं दीवार पे मिसम भाई कहते हैं रोल कर रहा हूँ मैं मिसम भाई ने रोल किया मैंने वो सीन किया और वो पूरी एक साइड पर नीचे बिल्डिंग है और मैं सिर्फ एक छोटी सी जगह पर चल रहा हूँ और मैं बड़ा डर के चल रहा हूँ अगर आप लोग वो सीन भी देखोगे ना तो मैं थोड़ा डिग में गया आ रहा हूँ तो वो इस तरह से लेकिन मुझे मज़ा आया वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा डिफरेंट किया मैंने वहाँ पे ये वाली चीज़ थी अच्छा ऑब्वियसली मायरी ड्रामे में कनेक्शंस बने तो वो कनेक्शंस मतलब ऑब्वियसली फैमिली वाला माहौल ऑब्वियसली हुआ हमें नहीं मैं बहुत सेक्टर से इस बात पता कि पूछता हूँ क्योंकि हर कोई यही कहता है कि यार मतलब फैमिली ओरिएंटेड ही माहौल होता है क्योंकि तीन महीने चार महीने आप लोग साथ होते हो ज़्यादा तीन चार महीने ज़्यादा तकरीबन छः से आठ महीने सेट पे होते हैं सब जिसका काम पहले ख़त्म हो जाता है वो चला जाता है पैकअप हो जाता है नए लोग आ जाते हैं इस तरह की चीजें होती हैं सेट पे <coughs> अब मायरी के सेट पे ये था एक दस्तरखान लगता था कभी so, yeah. दस्तरखान लगता था उस पर खाना रखा जाता था खाने में क्या चावल वाइट राइस और दाल नहीं आलू और वो सब्जी नहीं होती मिक्स सब्जी मिक्स सब्जी गोश्त दाल इस तरह की ना

एक्टर्स बैठे हुए हैं क्रू मेंबर्स बैठे हुए हैं बाकी लोग बैठे हुए हैं सब बैठ के खाना खा रहे हैं तो nice. एक ये खूबसूरती है हमारे सेट की आई अप्रिशिएट दैट और मुझे बड़ा मज़ा आता था क्योंकि वहाँ पे हर तरह की बात होती थी अरे ये सीन ऐसा गया और अक्सर तो सीन्स की बात नहीं होती थी अपनी बातें चल रही होती थी hmm. कभी कोई कुछ बात लेकर आ गया कभी कुछ किसी के कोई मसला चल रहा है वो डिस्कशन हो रही है कुछ भी हो रहा है hmm. तो लाइक एक वो फैमिली ओरिएंटेड फैमिली

आप भी कुछ पूछेंगे ओरिएंटेड ओरिएंटेड आ गया आ गया अचानक आया ओरिएंटेड ओए होए इसके बारे में जल्दी <laughs> <स्विटिंग फार्स। laughs> पता है स्पिटिंग फायरस ले लीजिए उफ आता भाई अब पूछ लें आप कुछ पूछ लें यार ये ले आप भी क्या है ये आपके लिए भी मैंने कुछ लिखे हैं सवाल चलो मेरा फेवरेट क्वेश्चन तो है यार हां अ पूछ ले चलो टॉप फाइव बिरयानी <laughs> टॉप 5 बिरयानी इज योर फेवरेट बिरयानी यार ये तो बंदा बता ही सकता है ना यार फरान ने, नहीं बताया आ, आपने आ, हाँ हाँ हां रुको, रुको रुको हाँ फरान बिरयानी हाँ सही है एक आ, सदर में बिरयानी वाला है मैं उसका नाम भूल गया बड़ी मजे की उसकी बिरयानी है हमजूर सदर में रहमान नहीं पंच रोड पे पंच रोड पे पंच रोड पे

नहीं उसका मूड है पता नहीं हर दे एक मटका बिरयानी है।, है बंस रोड पे अगर आप लोगों ने खाई है आठ सौ रुपये लेकिन अब अब उसका भी कोई टेस्ट नहीं, नहीं। बिरयानी के मामले में तो मैं ये है कुछ अचीव करना है मतलब यार यार ये पांच चीजें तो मैं जिंदगी में मरने से पहले करूंगा यार नेक्स्ट फाइव ईयर टेन टेन ईयर्स में यार ये करना है मरने से पहले यार इंसान ना इंसान के अंदर एक हवस है बेहतर से बेहतर की सही है एक गोल अचीव कर लिया ना अब क्या है अभी क्या है यार बता दे यार बता दे जहां जा कॉल लगाने है अभी क्या है अभी ये है अभी ये है इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग माय बेस्ट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट मैं लगा हुआ हूं कोशिश में कि मैं नेटफ्लिक्स की एक सीरीज करूँ ओह इंशाल्लाह नाइस वेरी नाइस एंड से करता हूं फॉर <coughs> किस किस उससे करता हूँ प्रोडक्शन से करता हूँ या किस इंडस्ट्री mm. से करता हूँ आई नो बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं निकलू नेटफ्लिक्स की तरफ mm. तो ये एक अभी हाँ वेब सीरीज के तो अभी में एक ये चीज है mm. दूसरी ये चीज है कि महंगाई <laughs> तो, बहुत ज्यादा हो गई है और दूसरी चीज मुझे, 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 मुझे यार, सच मैंने कुछ वो चीजें बनाई नहीं है सोची नहीं इस तरह तो है। मैं को देखता हूँ कि भाई मैं अगले दो साल में अपने को कहा देख रहा हूँ मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बन सका हूँ कि नहीं बन सका या मैंने कुछ ऐसी चीजें अचीव कर ली हैं जो मुझे इस एज में करनी चाहिए थी मेरी एज मैं कभी किसी को बताता नहीं हूँ तो वो एक अनिवील्ड पार्ट है क्योंकि मैं अपनी लुक्स चेंज करता लेता हूं। तो गैस ही मारते रह जाते हैं कि क्या एज है आपकी तो, तो, है। तो वो मैं बताता नहीं हूँ किसी को बाकी ये यार यहां बता दो यार मैं सत्रह अक्टूबर को पैदा हुआ हूँ बस इतना काफी है हाँ इतना काफी है इससे ज्यादा क्या गिफ्ट आ जाएंगे सत्रह को और क्या चाहिए कर मैं मैं चुका मुझे पता भी तू गैस कर तो बता दो ना नहीं बताने का फायदा नहीं है उन्होंने भी झूठी बोल लिया तो फायदा नहीं है यार मुझे पता नहीं क्यों इक्कीस बाईस इक्कीस बाईस बहुत ज्यादा बता <था> दी <laughs> बोलो इतना बड़ा लगता है <laughs> <चुकुकुचुकुचुकुचुकुचुकुचुकुचु। laughs> क्या पता इससे भी बड़ा यू नेवर नो मेरी लुक चेंज है यू नेवर नो आप एक आर्टिस्ट की एज बहुत रेयर गैस कर सकते हो तो ये वाली चीज है खैर वो एक अलग चीज है विशलिस्ट यार बस अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक जो भी अता करे ना अच्छा अता करे और मेरे हक में बेहतर हो बेहतर हो और बस गोल बना के मैं हमेशा एक बड़ा गोल बना के चलता रहता हूँ कि ये, ये करना है ये करना है। ये करना है सही है सही एक पॉइंट आएगा ये करना है एग्जैक्टली exactly. मैंने जहाँ जब मैं अपने घर से निकला था न एक और भी चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ जब मैं अपने घर से निकला था ना तो मैंने अपनी माँ को बोला था ऑब्वियसली बात है बाप के साथ उस तरह का कनेक्शन नहीं था मेरा भी तो उस चीज़ को मैं रिग्रेट करता हूँ तो मैंने अपनी माँ को बोला था बस आप मुझे तीन साल दें मैं कुछ तो करके कर कुछ तो करके दूँगा वेरी नाइस और तीन साल में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शायद अल्लाह पाक का बहुत बहुत, बहुत। करम और एहसान है उसने मेरी औकात से ज़्यादा मुझे दिया है उसका शुक्र है मुझे मायरी मिला मैं उसमें किया काम और ढाई साल के बाद मैंने अम्मा को एक बड़ी चीज सामने रखी मैंने कहा मैं। nice. तो वो एक अच्छी चीज़ है इसी तरह मैंने आगे के कुछ गोल्स बनाए हुए हैं जो most probably मैं भी रिवील नहीं करूंगा वो मेरे दिमाग में चल रहे हैं वो मैं करूंगा जब इनशा तो मीडिया के हब पे दोबारा आएंगे हम और एक और पॉडकास्ट करेंगे इन वो कपिल पूछते है ना कभी आपने सोचा था आप इस लेवल पे पहुंच के इन मीडिया आपके सेट पे हैं आ, यार मैंने देखे मैंने ये सोचा तो नहीं था लेकिन इन जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पैसे ज़्यादा <laughs> आप, आप आपका गेम बजने वाला है <laughs> तो मामला खराब हो गए क्या करें भाई? <laughs> मैं, मैं जितने भी आर्टिस्ट हैं ना मैं उनको बताना चाहता हूँ उन्होंने बहुत पैसा दिया मुझे एक नई गाड़ी दी है मुझे यहाँ पे सिर्फ अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए तो पैसा करो चार्ज पता चला माक टू <laughs> <laughs> ओ भाई, ओ भाई। <laughs> अपनी माकटू दे दी अरे यार, यार, यार। सर वेरी बजट फ्रेंडली बहुत बस बस ऐसे बस तो वैसे है मेरी कुछ है में चीजें हैं बेस्ट ऑफ लक लेकिन आप एक रियलिटी भी, भी तो बताएं ना मैंने आपको चेक दिए लेकिन मैंने आपको 2050 की डेट डाली 2050 में <laughs> वो आप <चेक> कर। <laughs> बच्चे दो ही अच्छे और अच्छी शादी शुदा सुकून वाली जिंदगी और किसी अच्छा वो अलग पहाड़ियों च्छागी। में एक घर बना हो मैं कश्मीरी हूँ तो एक पहाड़ियों में एक घर बना हो और एक सुकून वाला जोन हो और बस एक पीसफुल लाइफ अपनी फिफ्टीज में फोर्टीज में हो मेरी चलो। इंशाला। इंशाला होगा, होगा लेकिन आपको चेक दूँ आपके बच्चे बड़े होंगे, आपको उनको नहीं आप सकते। कश्मीर में नहीं 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 सकते। सकते। सर, ही सकते दो महीने की छुट्टी लेकिन हम लोग कहते हैं ना आजकल जितने भी लोग है वो कहते हैं यार मुझे यूरोप जाना है मुझे ब्रिटिश जाना है यार क्या जगह है क्या चीजें हैं आप पाकिस्तान एक्सप्लोर तो करो सर क्या मुल्क है क्या मुल्क है सही बात जो बात सर भले बजट फ्रेंडली अब नहीं है

फिल्म इंडस्ट्री मतलब रेवोल्यूशन कहते हैं यार वही वही बात है कि इट्स ग्रोइंग इट्स ग्रोइंग हां ऑब्वियसली मतलब बेहतरी दिख रही है लोग काम कर रहे हैं हां बिल्कुल कर रहे हैं बेहतरी अच्छी फिल्म, फिल्म की तरफ काम करने का माइंड मेरा 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 एक बड़ा अच्छा दोस्त है मोहसिन हम्म जो इस ड्रामे में मेरे दोस्त का कैरेक्टर भी प्ले कर रहा है उसने मुझे बोला मसूद अपना नाम ऐसा बना अभी वर्क ऑन योर नाम ऐसा बना कि लोग तेरे नाम पे फिल्म देखने आए लोग फिल्म की वजह से तुझे ना जाने सलमान खान नहीं ना दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक थिंग उसने मुझे जो बात है, उसने बोला उसने मैं तुझे बताता हूँ इस, इस प्रोडक्शन हाउस में चला जाओ ऑडिशन दे बता मेरे ड्रामा आ रहा है ये चीज़ें है ये है वो है सब कुछ बता तो अगर कोई करेक्टर आएगा तो तुझे दे देंगे जो बात है हकीकत लेकिन मैं एक बैनर पे पर ही नहीं फ्रंट पे दो लीडिंग आर्टिस्ट आ रहे हैं Hmm. मैं कहीं बैक स्टोरी में एक छोटा सा करेक्टर हूँ दस सेकंड का भी फ्रेम आएगा ऑब्वियसली बात है मैं दिखूंगा वो दस सेकंड एक बड़ी स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ मसूद बुखारी एक बड़ी स्क्रीन पे दस मिनट दिख रहा है बट hmm. वो लेकिन हाँ। मसूद बुखारी की वजह से लोग फिल्म नहीं देख रहे लोग फिल्म देख रहे हैं फिल्म की वजह से स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक आर्टिस्ट के लिए आर्टिस्ट को पता होना चाहिए कि वो कौन सा करेक्टर किस लिहाज से कितना अच्छा प्ले कर सकता है अब आई नो कि मैं नेगेटिव करेक्टर को अगर मुझे मार्जिन दिया जाए मार्जिन दिया जाए मैं इतना गंदा खेन सकता हूँ इतना गंदा खेन सकता हूँ किसी ने भी ना सोची होगी वो वाली चीज mm. तो मैं इतना गंदा उसको खेन सकता हूँ मुझे वो एक बिल्डअप मिल जाता है नेगेटिविटी के लिए स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है अगर मैं मेरे से एक पूछा जाए। उसकी बात आधे में भले कट जाए लेकिन पंच आधे में आ रहा था तो कटी है बात। हम दोस्त बैठे होते है ना एक बंदा कोई बात करता है अचानक पीछे वाला कुछ बोल देता है उस पंच में सब हंसते हैं सभी जैसेताओं में दिए थे हर क्या? किसी की टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए ट्रू <laughs> सही बात परफॉर्मेंस मैटर। परफॉर्मेंस मैटर इन एवरी वे कॉमिक कॉमेडी में टाइमिंग मैटर करती hmm. है सही बात आई रियल लाइफ में भी हर जगह hmm. <coughs> सर मैं नहीं करना चाह रहा क्यों मुझे मुझे मैं बड़ा मुश्किल से रोक के बैठा हूँ अपनी हंसी आप भी नहीं समझ रहे जरा कंट्रोल करें कंट्रोल करेंट्रोल करेंड है बस ये वाला सीन है कि क्या हम बात कर रहे थे सॉरी मैं भूल जाता और स्क्रिप्ट बहुत जरूरी है आपको पता अच्छा होना चाहिए स्क्रिप्ट <coughs> के अंदर आपका जो भी करेक्टर है आपको उसके अंदर किस तरह उतरना है किस तरह ढलना है उस में एक आर्टिस्ट को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए, चाहिए। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी फ्लॉप चीजें भी दी हैं वर्ल्ड वाइड क्योंकि उनको आइडिया नहीं था अब वही बात है ना अगर लोग कहते हैं कि डी में सलमान खान होता तो फिल्म नहीं चलती नहीं यार आपने उसको देख लिया उसने उस तरह का काम किया आपने उसको देख लिया देख लिया क्या पता सलमान करता और भी अच्छा कर लेता नहीं पता लोगों को आपकी करैक्टर अडॉप्टेशन और आपकी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट में पावर होनी चाहिए तो ड्रामा तो वैसे ही हिट है मतलब लेकिन उसके साथ-साथ एक आर्टिस्ट को भी अच्छा होना चाहिए गुड पॉइंट अच्छा अता भाई आपको एक बात बताऊं मजे की जी वैसे हमारे ना कहीं ना कहीं चीजें ना घूम फिर के ना आ आ जाती हैं हिप हॉप एलिमेंट आ जाता है अरे आर्टिस्ट के अंदर हां ये मतलब पिछले हमारे मल्टीपल पॉडकास्ट हमारे उठा के देख लें आप

यार फिर भी फिर तो भी हम ऑन कैमरा नहीं बोल सॉरी बट रियली मतलब रियली रियली क्या क्या, क्या करना का जा रहे हैं भाई अच्छा लाइक योर कनेक्शंस विद हिप हॉप इंडस्ट्री लाइक कैसा रहा स्टार्टिंग कैसी रही मजा आया <laughs> हां लोगों को पता नहीं आता नहीं था, नहीं था यार कभी भी mm. सही है सुनने में बड़ा मजा आता था यार एक वो वाइब मिलती थी यार क्या क्या नई चीजें आ रही हैं यार जैनब के ऊपर जैनब के ऊपर सबसे पहला गाना मैंने सुना था तला अंजुम तला यूनस प्यारी चीज उसके बाद वो फार्मी अंडे वाला वो क्या था गाना मैं गाना थोड़ा सा भूल रहा हूँ वो अच्छा। फार्मी अंडे और कुछ इस टाइप का था किन का तला अंजुम तला यूनस का ही गाना था एक थोड़ा पुराना असली है नहीं नहीं। नहीं, नहीं 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 एक बड़ा बर्गर कराची बर्गर कराची, so, तो पे, हाँ, पहले का वो मैंने सुने थे गाने शुरू शुरू में तो वहां से टच आया कि भाई यार क्या चीज कर रहे हैं ये हमें भी करना चाहिए कुछ आता नहीं था कहीं पे कोई चौका वोका लग नहीं रहा था हाँ तो मतलब महंगाई करें यार कुछ तो करें उस तो उस एक्टिंग एक्टिंग कहीं नहीं थी। शुरू हो चुकी थी तो हमने कहा था अब साथ साथ थोड़ा ये भी इन करते हैं चीजें तो यार हम बस आ, आता नहीं था हमें लोगों ने भी हमें टोपियाँ बनाई धोखे दिए कि भाई तुम ऐसा कर लो ऐसे हो जाएगा पैसे लेके गाने बनाए हमारे शार्ट हो गए कराची वाली लैंग्वेज में हमने बोला तो बस कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं लेकिन उसके बाद शॉट्स लिए जा रहे हैं हाँ। स्ट्रेट अवे यू नो दिस बेटर बाकी नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो अब सीन ऐसा होता है कि भाई फिर बंदा सुनता रहता सुनता रहता चीजें समझ आती हैं तब कुछ चीजें लिखना शुरू की समझना शुरू की

लाइट्स अच्छी हैं आपके रूम बहुत अच्छी हाँ पाँच बजे फिर आप देखें <laughs> सर को नींद भी आ रही है कोई तो <laughs> बात नहीं तो उसके ऊपर मैंने एक लाइन लिख लाइन तो नहीं एक बार है मैं आपको बार सुनाता हूँ तला यूनस थे अंजुम लोगों से इंस्पायर होने के बाद ये लिखा गया था पहली चीज़ ये लिखाई रियलिटी मेरे बारिश की वो सुटैलिटी नहीं करता मैं तू कर मेरी parody, अब छोड़ कर ये, I made the monopoly, ये, मेरी, slopoly, ये। तो एक इस तरह का बार लिखा था और एक अब ना जरा थोड़ा संजीदगी वाला माहौल तो क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया से और होना भी चाहिए यार अल्लाह बाग से और कुछ माशरे की चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता हूँ तो आपने वो चीज़ सुनी होगी एक बंदा मर जाता है तो उसको बोलते हैं कि बस दो गज़ कफा नहीं दिया और कुछ नहीं दिया नहीं। इस तरह की चीज़ें और कोई किसी का नहीं है नहीं। लेकिन ये जिंदगी जो है ना ये बंदगी के लिए है नहीं। नहीं। साथ साथ आपको हकूक लिए बात भी, भी याद रखने पड़ते है जो बात है तो एक चीज़ है मैंने अपनी इंस्टा पे भी डाली हुई है मैं वो सुनाना चाहूँगा यहाँ पे क्रेडिट गोज टू हसीब हसीब मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है रैपर है उसने बहुत सपोर्ट किया है एक टाइम पे वो कुछ इस तरह करके है कि जिंदगी आमद बराए बंदगी जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी hmm. ये फारसी में है जिंदगी आमद बराए बंदगी जिंदगी बेबंदगी पैदा किया है तूने तूने बोलने का फन दिया लोग दफन करें कहेंगे दो गज का फन दिया इतनी ही बस आस थी मुझको उनकी ज़ात से क्यों है जेब में फतवे रखते क्यों ना अपनी बात के तुझ तक ना आ सका तूने ही तो कदम दिया hmm. उसका ही है शुक्रिया जिसने हाथ में कलम दिया आंख दी है देखने जब आंख खोली मैंने तो मैं सोच रहा लोगों ने इसे नाम क्यों अमन दिया रह रहे सुकून से हम सब बड़े अजाब में इतमान जिंदगी सुकून की तलाश में शोर है चारों तरफ चीखती है सांसे भी वो देख रहा है सब यहाँ मैं की तलाश में ईमान बिक गए बेईमानी है उरूज पे इंसान बने हैवान सबको खा रहे हैं नोच के मेरी सोच से भला खुदा तेरी कुदरत का कमाल है हाँ जानता हूँ मैं हर उरूज को जवाल, जवाल है क्या बात हाँ। जानता हूँ हर उरूज को जवाल उफ। है उफ। तो बस एक ये कुछ चीज थी बहुत टच करती है रियलिटी के साथ हुँ। हुँ। तो एक चीज ये शेयर करना चाह रहा था मेरे बड़े दिल से मजेदार चीज़ है तो इसका सारा क्रेडिट जाता है हसीब को नाइस थैंक यू इसके लिए hmm. मैंने किया था डेफरे सुपरस्टार में ही hmm. अच्छा उसका सिनेरियो ऐसा था वो मैं हारा था जो भी था मैं वहाँ सीखा था सारी चीज़ें हुई थी उस शो के अंदर रैपर्स थे hmm. म्यूजिशंस थे hmm. सिंगर्स थे hmm. एक्टर्स थे अच्छा अहमद इकबाल हां वो भी थे अहमदी भी था और बहुत प्यारा बंदा है उसका अहमद इकबाल बिल्कुल और उसका गाना मुझे बड़ा पसंद है ये है है कराची जो बात है। क्या गाना है वो, वो आएगा यार आई लव इट तो उस शो में ये हुआ था कि जब मैंने देखा ना इस इस तरह के लोग हैं एक्टर्स भी हैं सिंगर्स भी हैं म्यूजिशियंस हैं रैपर्स हैं तो मैंने एक सीक्वेंस बनाया था वो ये था कि मैं फ्लैशबैक देता हूँ ओह सॉरी मैं एक फ्यूचर की चीज़ दिखा रहा हूँ दिखाते साथ ही फ्लैशबैक आया और ज़ीरो से एक फिल्म का सनेरियो दे दिया था मैंने थिएटर में ये बहुत ज़्यादा बहुत सारे थिएटर्स में ऐसा होता है तो वो <coughs> फिर मैंने स्टार्ट किया अब वो स्टार्ट था विद डायलॉग्स एक्टिंग स्टार्ट हुआ वहाँ से उसके अंदर मैं बोल नहीं सकता होता और इस तरह का एक सैनैरियो है एक नहीं। बाजू नहीं होता और मैं टायर की शॉप पर काम कर रहा होता हूँ तो ये वाली चीज़ है विच इज़ ऑल इंस्पायर्ड बाई उसामा असलम मैंने उसका एक एक्ट देखा था तो मैंने भी ये परफॉर्म किया था उसने भी ये परफॉर्म किया हुआ है तो उसको भी क्रेडिट जाता है इस चीज़ का ऑब्वियस ऑबियसली बात है यार देना भी चाहिए तो उसके अंदर ये हुआ था कि मैंने सबसे पहले म्यूजिक रखा था वो एक गाना चलता है सही है सिंगर्स आ गए सही है उसके बाद एक जोन आता है जहाँ पे सिर्फ सिर्फ म्यूज़िक है पियानो गिटार दो कैटेगरीज मैंने यहाँ कवर की तीसरी कैटेगरी में एक्टिंग कर रहा था वो तीन कैटेगरीज कवर हुई अब चौथी चीज़ है रैप तो अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सुनाया ये पूरी एक रैप की फॉर्म में मैंने इसको परफॉर्म किया था विद आ, पीपल कमिंग ऑन स्टेज वो अपना अपना पार्ट कर रहे थे जिस तरह दो गज कफन दिया और इस सारी चीजों पे पे मैं मैंने चारों चीजें रखी चारों चीजें मंजूर नहीं था अल्लाह पाक ने कहा था तुम और अच्छा कर सकते हो और बेहतर कर सकते हो तुम्हारे लिए और रखा है निराश निकल आता है क्योंकि बॉलीवुड हम बहुत ज्यादा देखते हैं तो अफसोस नहीं करना किसी भी चीज़ का बस मेहनत करो तो अल्लाह पाक देगा और ज्यादा

अच्छा आप किसी हाँ लाइफ लेसन फॉर योर फैंस एग्जैक्टली मतलब आर्टिस्ट है जो आना चाहते हैं एक्टिंग फील्ड में भी उनके लिए भी मतलब यार उनके लिए बोलूंगा कि मेहनत करो सही है मैं भी कोई इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ मैंने कोई मायरी में छक्का नहीं मारा कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया सही मैंने सीखी हैं चीजें मुझे समझ आई है कि मुझे इस तरह काम नहीं करना मुझे बायों की स्टाइलिंग नहीं करनी मुझे काम करते हुए गले में उस तरह की चेन नहीं पहननी मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं और मैंने तो सीखी हैं कुछ आना है। तो आना है बहुत कुछ मैंने ये चीजें सीखी हैं कि बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करवाना नेचुरल रहना है सही बात है गलतियाँ होती हैं इंसान से मतलब सीखता है मैं इतना अच्छा नहीं लग रहा उस कैरेक्टर के अंदर या इतना अच्छा आई डोंट थिंक मैंने अपना 100% शायद दिया हो मुझे ऐसा लगता है लेकिन फिर भी लोगों को पसंद आया तो उन्हें कहीं ना कहीं मेरा क्या पता कोई एक काम अच्छा हुआ हो या, या। कोई चीज़ अच्छी हो जो लोगों को पसंद आया तो मेहनत करो ठीक है मेहनत से नहीं डरो मुझे चार साल लगे अल्लाह पाक ने मुझे दिया ठीक है जिसके अंदर मैं कोशिश करता रहा खुआारियाँ काटता रहा सारी चीज़ें हुई भाई ये ये नेचुरल है ये आपको करना पड़ेगा अगर आप प्रोडक्शन हाउस के चक्कर नहीं काटोगे कोई प्लेट में ला के आपको देगा नहीं जो बेटा ये लो और वाला तोड़ के आपको खिलाएगा नहीं कि बेटा खा लो कोई, कोई नहीं करेगा आपको खुद जाना है प्लेट उठानी है सालन डालना है रोटी बनानी है और आके खानी है खानी बिल्कुल ऐसे ऐसा ही है तो मेहनत करने से कभी नहीं घबराओ और घबराओ और एक चीज़ बहुत ज़रूरी अल्लाह पर यकीन रख अरे सर ये ऐसी चीज है ना अरे है 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 मैं लिटरली अब अपने कामों को बोल देता हूँ वो देख लेगा अरे उसने हटाया ना मुझे यहाँ से या, मेरे बैटरी के लिए लिए उसकी मर्जी सही है उसने दिया था ना यहाँ लाके खड़ा किया था ना उस आ, रब ने खड़ा किया था अभी अगर हम एक बात करें तो एशिया कप हमारे तो एक मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि हमारे प्लान हम चाह रहे थे एशिया कप जीते लेकिन अल्लाह का प्लान वर्ल्ड कप जीतेंगे ऐसा <laughs> ही है तो मैं यही कहूँगा कि जिस दिन तुम्हारा यकीन हो गया ना कि अल्लाह पाक कर देगा यार तुम उससे मांगो तो सही है तुम मांगते क्यों नहीं हो जिसने तुम्हें पैदा किया जिसने तुम्हें दुनिया में लाया जिसने तुम्हारा रिस्क लिखा जिसने तुम्हारा वक्त डिसाइड किया कि तुम इस टाइम पे इस जगह पे इस निवाले को अपने हलक से उतारोगे

अल्लाह बाग मुझे चाहिए मुझे पता है आप दे देंगे कब देंगे मुझे नहीं पता जिद लगा लो यार जिद लगा लो यार तू लेकर आया इस दुनिया में तू ही करेगा यार तू तू ही ही सुनेगा सुनेगा और कौन सुनेगा मेरी।, मेरी मेरी कोई नहीं सुनेगा तू है तूने पैदा किया है तू कर जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ जिद लगा लेते हैं यार बाबा हम नहीं जाना है जाना है करना है चीज़ हमें चाहिए चाहिए तो हम अल्लाह वाक से भी जिद लगा सकते हैं बाप अपनी जेब फाड़ के करता है ना तो अपना प्यार करता है यार ज्यादा प्यार करता है यार वो क्यों नहीं करेगा उसको तुम बोलो यार अल्लाह पाक मुझे कल ये खाना है आप करें आप पे मुझे किसी भी तरह कहीं से किसी दावत में बुला ले कुछ भी करें आप पे मुझे ये करना है मुझे ये चीज़ चाहिए वो देगा यार वो मेहरबान है वो खालिक है वो राजिक है वो रहीम है वो गफूर है क्या अरे है? वो करेगा क्यों नहीं करेगा तो ये, ये एक बड़ी चीज़ है अल्लाह पे यकीन लाओ यार मजा आ जाएगा तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूं यार नहीं है ऐसा ऑब्वियसली दिस इज बहुत बात की नाइस सर इसका मैं पूरा क्रेडिट दूंगा अपने पेरेंट्स को माशाल्लाह माशाल। उन्होंने, उन्होंने उन्होंने शायद अब ब्रिंगिंग ऐसी की है चीजें ऐसी की हैं मैं खुद सही दूं तो आ जाता है घर घर में अगर आपका माहौल ऐसा बन जाए ना आप रब से जुड़ जाओ ना आपको हर चीज मिल जाती है क्या बात है खूबसूरत बड़ा एक वो है अब जो है ना जरा वहां ले जाते है पे ने। 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 पता नहीं लु रही है मुझे भी नहीं पता <coughs> बहुत Let's सारे सवाल किए यार भाई ये मैं आपके हाथ में रखूंगा नहीं नहीं मेरे हाथ में क्यों रख रखी चीज है अगर तुम लोगों ने कोई कोई सबके सब पास सर, होता है दूसरों के हाथों में मोबाइल सर आप मुझे एक बात बताएं जब तक आप ए खोल लें तो लिया। खोल लिया आप बोले सर आप ओपन कर लेते ओपन <laughs> भी <है>। तो <laughs> 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 पता <laughs> तो नहीं क्या बोल रहा हूं <laughs> नहीं क्लब <लो> <laughs> क्लब के करीब आ रहे हैं ना <laughs> हम हाँ। अच्छा <laughs> तो बस पता नहीं क्या बोल रहा था एक हम छोटी सी गेम करेंगे एंड में तो ये वो अल्लाह करे मेरे दिमाग में रहे आप हमारे साथ करेंगे या हाँ। नहीं दोनों मिलके करेंगे सही ठीक है यार थोड़ा करो करो स्टार्ट करो आई विल कम अलोंग कोई ढंग के सवाल पूछना मेरे से यार रैंडम पूछ लूं हाँ, कुछ हाँ, भी भी जो सामने आ गया सवाल चलो भाई आपने बोले विल फाखिर गेट इफेक्टेड एनी एंड हमजा फ्रेंडशिप होना चाहिए हमजा गलत कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल हमजा को पता होना चाहिए कि उसको ये सब नहीं करना चाहिए मैंने अभी वो स्टार्टिंग में भी बात की थी कि वो एक नेगेटिव करेक्टर है उसको नहीं करना नहीं, चाहिए आई नो उसके दिल में फीलिंग्स हैं चीज़ें हैं सब कुछ है वो एक पंद्रह साल का बच्चा है स्कूल जाने वाला उसके दिल में आता है वो कहता है फ़ाखिर गलत है ये है वो है सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प भी करता है यानी कि सारी चीज़ें करता है लेकिन अगर एक मसूद या एक ऑडियंस उसको देखेगी ना तो उसको समझ आना चाहिए ये गलत कर रहा है वो शादीशुदा है अब प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस लाइक आपकी कोई गर्लफ्रेंड है आप शादीशुदा हैं आप सिंगल हैं आप मैरिड हैं आप ये हैं वो हैं सबको एक ही में जवाब शादीशुदा यार और भी मोस्टली लड़कियों की क्या लड़कियों की आई एम सिंगल आई एम सिंगल बट नॉट अवेलेबल नॉट चाहिए सक सक्लोन सक्लोन नहीं नहीं सख्त लौड़ा नहीं

<laughs> सर सवाल सवाल की टोटल आ, म्यारी... <laughs> म्यारी, लिखा हुआ है यार यार उसने तो मारी 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 की टोटल एपिसोड्स ये तो मुझे भी नहीं पता अभी थ्री या क्या पता ज्यादा आए मुझे आइडिया नहीं है डू यू अच्छा एक सवाल मेरे पर बड़ा इंपॉर्टेंट आया कि मुझे लगता है कि यहाँ पे ना एक मैंने मैंने देखा था बिफोर पॉडकास्ट उस पर एक इंडियन लड़की ने बोला था कि आप लोग जो हैं मतलब इंडियन फैंस को ज़्यादा वो नहीं करते तो... अच्छा। मैं, मैं अपने है मैं तो एक बहुत छोटे उसमें बात कर रहा हूँ लोगों के दस दस हजार कॉमेंट्स भी आते हैं आप मुझे बताएं कि आप उन दस हजार कॉमेंट्स को आप छोड़ दो आप सौ कॉमेंट्स को रिप्लाई कर सकते हो नहीं सही बात है आठ कमेंट्स को आप एक साथ रिप्लाई कर दो ना अगर तो इंस्टा आपका वो हो जाता है कि आप नहीं कर सकते इसके बाद और इसी के सवाल उसी ने दोबारा सवाल एक और पूछा अगर आपको इंडिया आने का मौका मिले अपने फैंस से मिले तो क्या आप आएंगे इंडिया अच्छा मैं दोनों चीज़ों पर आ जाता हूँ <coughs> जो लोग मुझे प्यार करते हैं ना यार आप लोग अपने हो फैमिली हो ठीक है मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मैंने कुछ ऐसा ख़ास किया नहीं है कि लोग मेरे फ़ैन बन जाएं लेकिन लोग हैं तो अब मैं उनको प्यार देना चाहता हूँ देखो मुझे इंडिया से बहुत प्यार मिलता है पाकिस्तान से मिलता है ऑब्वियसली मिलता है लेकिन इंडिया से बहुत प्यार मिलता है एंड आई रिस्पेक्ट दैट yeah. और अगर कभी मौका मिला तो जरूर आएंगे यार इंडिया आएंगे आप लोगों से मिलेंगे एक मीटअप रख लेंगे छोटा hmm. सा अगर तो हम फेमस हो गए कभी जिंदगी में तो इतनी तो फनी पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करते हो जबकि ड्रामे में सीरियस रोल कैसे प्ले कर लेते हो दिस इज़ नोन एज करेक्टर एडोप्टन ठीक है आपको पता होना चाहिए जब आपके पास एक स्क्रिप्ट आई है आपके पास एक चीज़ आई है तो आपने उस करेक्टर को किस तरह अडोप्ट करना है मैंने भी उस करेक्टर को अडोप्ट किया है अच्छा मैं एक और चीज़ भी सामने रखूँगा कि मैं जो अपनी इंस्टा पे चीज़ें पोस्ट करता हूँ ना दिस इज रियलिटी वो मेरी रियल लाइफ है हर इंसान जो इस वक्त मीडिया में है या उसके पास एक पब्लिक है उस की है वो अच्छी चीज़ लोगों तक हैं देखो ऐसी बात नहीं है मैं भी गाड़ियों में घूमता हूँ चीजें हैं बाइक पे मैं सेवेंटी पे घूमता हूँ तुम लोगों को अक्सर दिखूंगा परसों मेरी बाइक पंचर हुई हुई थी एक जगह पे या स्टेडियम के पास तो वो एक फैमिली आके रुकी उन्होंने बोला आप वहीं हैं मैंने कहा मैं गंदे कपड़ों में था मिट्टी लगी थी कराची की रोड्स ऐसी हैं तो मैं बाइक पे भी घूमता हूँ वो बात नहीं है लेकिन लोग ऐसे भी हैं जो शशका दिखाते हैं टू बी वेरी क्लियर शशका दिखाते हैं सही है जब ना होने के बावजूद शशका दिखाते हैं एक एज होती है शायद मैंने भी बहुत जगहों पर दिखाया हो कि भाई मैं तो ये मैं तो वो मैं तो वो ये है ये होता है लेकिन जब आपके पास एक ऑडियंस बिल्डअप हो जाती है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको सच्चाई बताओ सही दिखाओ तो बस एक मेरा वो मानना है बाकी शुगल मेला लगाया रखते को टेंशन नहीं है <laughs> सर मैं एक बात बोतूँ सर मैं एक बात बताऊं इंडियन फैंस बहुत आए हैं भाई बहुत फैंस आए हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम इंडिया से हो बांग्लादेश से हो नेपाल अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल स्टडी और आगे के प्लान स्टडी और आगे के प्लान हाँ मुझे पता है ये सवाल भी मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ उसमें बहुत सारे और भी लोग हैं जो मुझे देख रहे होते हैं अब मैं एंटर कर रहा होता हूँ तो मैं पहले मास्क वगैरह नहीं लगा रहा था मुझे इतना नहीं पता था मेरी इतनी हाइप है और इतना सब कुछ है तो मैं नॉर्मली जाता था तो अब लोग देख के बोल रहे होते थे ये हमज़ा है और लाइक ऐसे करके अपना फ़ोन पकड़ के वीडियो बना रहे होते थे तो लाइक एक वो वाली चीज़ मैंने देखी है तो फिर उसके बाद से मैंने मास्क पहनना शुरू कर दिया तो मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ उसमें अभी मेरा कोई साल डेढ़ साल रह गया तो जो लोग मेरे आस पास हैं उनको तो समझ आ होगी क्या करके यूनिवर्सिटी में हाँ मैं डायरेक्शन पे मास्टर्स करना चाह रहा हूँ आगे इन फ्यूचर अभी तो बैचल चल रहा है मैं डायरेक्शन करना चाह रहा हूँ और आगे क्या था फ्यूचर प्लान हाँ, है ये हैं कि मास्टर्स करना है और डायरेक्शन में आना है एंड uh, क्योंकि मुझे चीज़ें डायरेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है मुझे, मुझे मज़ा आता है शॉट इस तरह हो कुछ एक डिफरेंट वाइब में आए कुछ ऐसी चीज हो या अगर ये कब भी पड़ा हुआ है आपके सामने ऐसे तो उसका करके <coughs> <प्रस्पेक्टिव> <coughs> क्या उसका क्या हाँ। आप उसी को आप गिम्बल पे करो और कैमरा रोटेट होता हुआ सर्कुलर में तो एक अलग जोन बन जाता है है तो इस तरह की चीज एक डायरेक्शन के व्यू से सोचने का मजा अलग आए Uh, खाने में क्या पसंद है बहुत अलग-अलग मतलब सबके सवाल खाने में क्या 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 पसंद है? है है आपका और क्या है? तो कुछ थोड़ा-थोड़ा थोड़ बता लोबिया की दाल कश्मीर में होती है लोबिया की दाल और वाइट राइस क्या बात है मेरे फेवरेट है सेकेंडली कलर कलर मैं हर पहन लेता यार मुझे पिंक दो ब्लैक दो ब्लू दो येलो दो छह रंग मिला के ओबे भाई सर <laughs> कोई खास ऐसा कलर नहीं है मैं ब्लैक ब्लू येलो सुनता नहीं हूँ इस तरह के कोई भी के मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट को ज्यादा सुनता हूँ बॉलीवुड के आर्टिस्ट को मैं थोड़ा ज्यादा सुनता हूँ बाकी मैं बिल्कुल और इस तरह के बीटीएस को नहीं सुनते यार yeah, मैंने कभी सुना नहीं पता नहीं मुझे उनकी वाइब क्या है क्या चीज़ है कोरियन पॉप नथिंग और साउथ uh, कोरिया कभी आएंगे आप साउथ कोरिया आप बुलाएं आप टिकट दें खर्चा उठाएं मैं पहुंचा कल आ रहा हूं मैं <laughs> देख <लें> आप भाई <laughs> <laughs> नहीं गाइस really अगर मैं आया तो मैं आपको बताऊंगा <laughs> भाई कोरिया के भी फैन है मामला सही कर दो नॉर्थ और साउथ के पर अच्छा एक तीन चार सवाल आए मैं हमजा के लिए अवेलेबल हूँ लड़कियां कह रही है क्या हमजा मुझे मिल जाएगा मैं के लिए अवेलेबल पाकिस्तान मतलब मैंने सही शुरू में पहली जजमेंट सही दी थी <laughs> क्या कहोगे यार <हम्जा? laughs> <laughs> 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 <पारे> तो मैं उनको कहना चाहूंगा हमजा इज गॉन आफ्टर मायरी नहीं सही कह रहे हैं हमारा पाकिस्तानी रैन गौसलिंग अच्छा मैं आखिरी एक सवाल लूँगा <laughs> कोई भी दे ले लेता हूँ एक मिनट हाँ। ले ले मैं देख रहा हूँ यार वो बड़ा पॉडकास्ट के बाद देख लेना अच्छा हाँ आपका फेवरेट पर्सन इन मायरी ड्रामा कोई करेक्टर आपका फेवरेट जो हमजा के अलावा हो हमजा के अलावा

बहुत अच्छा काम किया है <laughs> सात भाई माया जी हिबा अली hmm. फहाम उसामा नान सर ऑब्वियसली उसके बाद uh, यार मैं नाम भूल रहा हूँ uh, मारिया वास्ती एंड uh, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ शिट खैर आई एम रियली सॉरी मैम मैं आपका नाम भूल रहा हूँ आप करेक्ट uh, पारस मसरूर पारस अच्छा पारस मसूर की जो वाइफ बनी हुई है मैं उन्हीं का नाम भूल रहा हूँ रियली सॉरी आपका नाम मेरे ज़हन से निकल गया अचानक से अच्छा आपको एक और मज़े की बात बताऊँ पारस भाई के साथ भी हमने पॉडकास्ट किया है मुझे पता है मैंने वो देखा देखा अच्छा नाइस यार पारस ये, भाई इज अ ग्रेट पर्सन द और उसके अलावा फिर हमारे पास ऐना है ऐना सैफ उसके बाद है समर जो फाखर का कैरेक्टर प्ले कर रहा है आई होप के मैंने सबके नाम ले लिए हैं बस मैं पारस भाई की जो वाइफ बनी अच्छा अच्छा उनका नाम, थोड़ा थी थी भूल थी रहा हूं। नाम ना अच्छा आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे हमारी एज कैटेगरी के आर्टिस्ट हैं जो एक सच बात है और यंग टैलेंट बहुत आ, आ रहा है पाकिस्तान में <laughs> <आ रहूं। laughs> <laughs> फाखिर का जो करेक्टर है जो कि समर प्ले कर रहा है वो करेक्टर मुझे ऐसा लगता है बना ही फाखर के लिए था बहुत सारे बहुत अच्छा भी कर सकते हैं बहुत बहुत समर के लिए था मुनासिब भी कर सकते हैं लेकिन वो फाखिर जो है ना वो फाखिर वो समर ही है वो, है। वो कोई और वो बैठ जिस तरह हम लोग कहते हैं ना डी शाहरुख ही है तो ये फाखिर का जो करेक्टर है ना समर ही है ये ये ऐसा लगता है ये बंदा ही पैदा हुआ था इस करेक्टर के लिए या ये लिखा ही गया था इस बंदे के लिए इसके अलावा किसी के लिए लिखा नहीं गया था जो कामने से उस बंदे की यार I, I just love him. उसका है। काम बहुत अच्छा है जैसे आयरन मैन रॉबर्ट जूनियर के लिए आप नहीं कर सकते और दूसरी चीज दिस अगर वो इस लेवल पे है अल्लाह माशा उसको नजर से बचाए वो इस लेवल पे है तो बहुत, प्यारा काम नहीं, I swear, सबने बहुत <coughs> अच्छा काम किया किसी के काम को बुरा टीम नहीं करता टीम वर्क था क्रियो मेंबर्स हमारे, हमारे कैमरे पे होते थे हर एक, एक बंदा जितने भी कैरेक्टर्स थे जितने क्रू भी, भी लोग थे है। फाकर, बात है, एक है हम दोनों की, तो हम दोनों की बातचीत होती थी सेट पे मेरी एना से भी बहुत है हम पत्ते भी खेले हमने सेट पे <laughs> और इस तरह की चीजें हुई हैं शुगर वगैरह करते रहते थे बट उस बंदे की पर्सनैलिटी डिफरेंट वाइब वेरी नाइस वेरी नाइस अच्छा थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है वेरी वेरी सीरियस डर लग रहा है यार आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट सेंस तुम ऑबसली एक ऐसे एक एक एक्टर हो एक्सपीरियंस हाँ एक्सपीरियंस यू नो थोड़ा तुमने वो ट्रांसजेंडर वाला रोल भी किया hmm. सही है तुमने उसके अंदर इन्वॉलमेंट दी फिर हमज़ा वाला भी एक नेगेटिव रोल किया वट डू थिंक अबाउट मेंटल हेल्थ इन पाकिस्तान मतलब एज एन आर्टिस्ट भी बता <coughs> सकते हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो कि मुल्क के आ, जितने भी लोग हैं देर ऑल अ सफ चलो ये क्लियर कर देता हूँ उसको और छोटा कर देता हूँ मैंटली नो थोड़ा सा आजकल थोड़ा सफ मतलब यू नो दबाव है पीपल गोइंग टूवर्ड यू नो थोड़ा साइड साइड सै� पर जा रहे हैं नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं उसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो रहे हैं आप नेगेटिविटी को किस तरह बोल रहे हैं लाइक

दे डो नॉट हैव टाइम उनके पास नहीं है hmm. जरा भी टाइम नहीं है कि वो दस मिनट अपने लिए निकाले गुड आंसर वेरी गुड उनके पास नहीं है टाइम yeah. उनकी सोच इतनी चीज़ों में चली गई है hmm. कि दे आर लाइक यार ये भी करना है ये भी करना है सुबह उठ के यहाँ जाना है ये करना है इससे मिलना है वापस आके इससे मिलना है रात को दोस्तों के साथ बैठना है जॉब पे जाना है तनख्वाह पूरी नहीं आ रही ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा दे लिटरली डो नॉट हैव टाइम टू गिव देम और इस चक्कर में आई आई कैन बेट यू अगर आप सोने से पहले भी ना सिर्फ पाँच मिनट निकाल लें और आंखें बंद करके एक जगह पे बैठ जाएं और देखें आपने पूरे दिन में क्या किया गुड वन yeah. आपकी जिंदगी बदल गई सर रोजाना रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी, जरूरी, जरूरी है बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है और जहाँ तक आप दूसरी चीजों में जा रहे हैं इन्फ्लेशन में जा रहे हैं अभी मुल के हालात या ऑब्वियसली के हालात में जा रहे हैं सैडली अभी 2 हफ्ते पहले मेरे और मेरे दोस्त से अराउंड चार से सात लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है शार फैसल पे मेन शार फैसल नो no. वहाँ पे कोई कैमराज नहीं है छोटा गेट के ऊपर एक पुल है वो फ्लाई ओवर से जा रहे हैं एयरपोर्ट है आपके वेफ्ट साइड पे उस पुल के सेंटर पॉइंट पे हमारे फोन्स मेरे पास कुछ पीआर पैकेजेस आए हुए थे वो बहुत सारी और चीज़ें चली गई एंड देवर यंग बॉयज़ देवर टीन एजर्स व होल्डिंग गन्स गन पकड़ना पहले तो अपने आप में एक बहुत हिम्मत की बात है hmm. उसके बाद गोली चला के किसी को मार भी देना एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है खैर वी आर सेफ हमारा सामान चला गया सारा वो एक अलग कहानी है तो वो जो यंग बॉयज है ना hmm. कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक सो कि वो किसी यार पंद्रह से लेके अगर साल का एक लड़का भी है बाइक पे गन लेके घूम रहा है और वो किसी को भी खर, चलते हुए लूट तो के चला जाता फैसल है बता तो uh, चीज उससे है। और बल्कि जिस दिन मैंने पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवाई है पुलिस बहुत कोऑपरेट कर रही थी हमारे साथ जितनी दफा में गया ना उतनी दफा उन्होंने बोला कि इतना इंक्रीज आया है इतने लोग अभी होकर गए हैं hmm, तो अराउंड 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 एक रात में शारे लाख रुपए की चोरी का उन्होंने बोला या कुछ इस तरह का बोला तो लाइक इट्स अमाउंट इट्स अमाउंट डू यू थिंक जा सकता सर बेहतरी की तरफ कौन लेकर जा सकता है इसको आप इस सवाल का जवाब दें <laughs> <laughs> कौन मैं, लेके मैं जा सकता है बहुत हैं। गंदा ऑब्जर्व करता हूँ <laughs> बिलावल भुट्टो रियली सॉरी सर मैं <laughs> मैं किसी एक स्पेसिफिक बंदे पे नहीं जाता yes, sir. हर पॉलिटिशन हर बंदा ना hmm. कहीं ना कहीं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचता है hmm. मैं इमरान खान की बात नहीं करूँगा <laughs> मैं नवाज शरीफ की बात नहीं करूँगा शहबाज शरीफ की बात नहीं करूँगा किसी की नहीं बात करूँगा जिस टाइम मैंने होश संभाला था मैं एक थोड़ा एक प्रॉपर जोन में था ना आई नो हर बंदा ये कहता है कि नवाज शरीफ करप्ट है इस तरह की चीज़ें हैं बहुत सारी आती हैं कराची बहुत बेहतर हुआ लाहौर बहुत बेहतर हुआ इस्लामाबाद बहुत बेहतर हुआ नवाज शरीफ के दौर में ये चीज़ मैंने देखी है आई डोंट नो किसी ने नोटिस की होगी कि नहीं होगी होगी लेकिन हर पॉलिटिशन अलताफ़ हुसैन हो गए हर जितने पॉलिटिशन हैं हमारे जितने है, सब ने सब ने अपने टाइम पे अच्छा करने की कोशिश की है इमरान खान ने भी अपना टाइम पे अच्छा करने की कोशिश की है हर कोई बेहतरी सोचता है हाँ गलतियाँ हर इंसान से होती हैं मैं मैं, आ, मैं बहुत आउट हूँ हर तरह की पॉलिटिक्स और इस तरह की चीज़ों से मैं ज़्यादा न्यूज़ देखता नहीं हूं। इसकी ये चला जाएगा बहुत आगे निकलेगा कितना है। प्राइम मिनिस्टर नहीं प्राइम मिनिस्टर तो मैं चांद पे जाना चाहता तो हूँ तो तो अगला गोल मेरा ही है अगला गोल चांद पे चांद पे, पे जाना चाहता हूँ अपन चांद पर अपन चांद पे तो बस ये वाली चीज मैंने बोला क्यों बात बोली सही खेल जाता है यार मतलब सबको बोल दिया यार सब अच्छे काम करते हैं अपने वक्त में सब अच्छे हैं मतलब एक्टिंग में एक्टर से मुझे सब अच्छे हैं सब बेहतरीन सिंगर <laughs> मुझे सब अच्छे हैं सब बेहतरीन है खाने में मुझे ये सब अच्छे हैं गुड यार देखो वेरी गुड सही है अभी मतलब अभी एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड अल्लाह पाक ने कोई चीज बुरी नहीं बनाई क्या बात बुराई हमारे अंदर है हमें अपने आप को सीधा करना है अबे यार हां मतलब मेंटल स्टेट <laughs> बनने के ऊपर है, है।, है अल्लाह बाग ने जब हजरत आदम को भी भेजा था तो अल्लाह बाग ने बता दिया था कि ये फल मत खाना वरना हो जाएगा तो सही बात है यही वाली चीज है उन्होंने तो हर चीज एक डिसाइड करके एक चीज एक फॉर्मेट बना के भेजा है रास्ता आपने चूज करना है आप कहां जाते हो जो क्या बात तो भाई कुछ है सवाल मतलब बहुत सारी बातें कर ली यार मसूद भाई मेरे ख्याल से थक गए नहीं नहीं थकना क्या है सर मजा आया पॉडकास्ट में और बड़ी सारी बातें करने का मौका मिला काफी अरसे बाद एक मजे का सेशन रहा <laughs> <था पता है। laughs> और ये हमारे कुछ पीछे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे उनकी बोतलों की आवाज आ रही है हाँ हम लोग यहाँ फंसे गुड मॉर्निंग पीछे बैठ के चिल कर रहे छः बजे सुबह के छः बजे बिग बॉस चल रहा है हाँ अच्छा यार मेरा वैसे एक सवाल है जो लोग हमारे पास माशाल्लाह से आते हैं और वो लोग थोड़ा टाइम फ्रेम का कहते हैं यार एक घंटे का टाइम मिलेगा आपको देखा ये देखो ये भी होता है सात का फोन है सुबह पांच बजे क्या बात है यार सुबह पांच बजे भी लोग कॉल कर, कर रहे हैं, हैं <laughs> <बात> है <laughs> है। अच्छा वो गेम तो बताए अरे हम हमने सुना है आप एक बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं किसी आर्टिस्ट की वो वो हो जाए तो मजा आ जाए नहीं अरे सर सर बिस्मिल्लाह करें और कौन तो करके दिखाई कर रहा हूँ ये मेरे जाने अच्छा हम 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 स्टार्टअप लेते हैं थोड़ा हाँ। आज हम इंसाइक्लो मीडिया हब पे आए हुए हैं जो बात है यहां पे हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं अच्छा भाई गेस्ट टोटल <laughs> <laughs> हमने हमने चेंज कर दिया थोड़ा और हम इनसे मिमिक्री करवाएंगे क्या बात है देखते हैं क्या होता है हुँ। हुँ। सर जी भाई मुझे तो बस वही आता है रोहित का क्या था माँ मुझे सब दिख रहा है माँ ये जादू आइला आईला आईला यार बहुत प्यारा है सर आप भी कुछ कर लें आपका क्या टैलेंट है सर कुछ है ही नहीं तभी ये कर रहे <laughs> हैं <laughs> ये बातें नहीं करते ये बातें नहीं, नहीं, नहीं करते आपको पता है बात करना एक बहुत बड़ा टैलेंट है हर बंदा बात भी नहीं कर सकता सही बात है सही है बिल्कुल टैलेंट है चल जाए तो ये वाली चीज है <laughs> ये सब कटेगा मैं आई एम नॉट किडिंग ये बात नहीं बोलना आगे आ, नहीं नहीं कर चलेगा 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 चलेगा, चलेगा, चलेगा। जब मेहनत करता है इंसान तो चीजें चलती हैं तभी exactly. मिलती है तो ऑब्वियसली बात है अब मार्क एक्सपेडि है तो मार्क मार्क है अच्छा मार्क टू अच्छा मार्क टू है ओके ओके तो चलेगा तो सही हाँ नहीं नहीं भाई मेहनत है मेहनत है, है। मेहनत है।, है।, है इतने टाइम से काम कर रहे हैं सेवेंटी इतना टाइम बाद मैं आया हूँ अल्लाह ने मौका दिया मुझे आप लोगों की खिताब में पेश होने का <laughs> तो ये मेरे लिए एक बहुत ही खुशकिस्मती की बात है आ, पता नहीं मैं कैसे फूले समाउ मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन <laughs> आ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं हम दोबारा भी आएंगे जब <laughs> कोई और अच्छा काम करेंगे तो ताला <laughs> दोबारा आएंगे इंटरनेशनल जाएंगे ना इन डायरेक्ट डायरेक्ट ऑस्कर डायरेक्ट ऑस्कर इनशा इनशाला पता नहीं मिलता है क्या नहीं मिलता है गिरजा जहां आप बहुत आप, से ऐसे आप तो वैसे भी माशाल्लाह इतने अच्छे फिलोसोफर हैं आपने तो कहा है कि भाई आप अभी दुआ मांग लें तो बस सर फिलोसोफर नहीं सर यकीन की बात जो बात आ, यकीन आपका यकीन इतना होना चाहिए उस रब की जात पे आए, सब, तो सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह देन द हम पाकिस्तानी एक 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 इख्तिताम पे एक चीज करते हैं बड़ी पुरानी एक चीज़ लिखी हुई है मेरे पास मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम एंड करें अगर आप लोगों की इजाज़त हो सर बिल्कुल तो खातिन हजरात हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए एक दो हजार इक्कीस का कुछ लिखा हुआ गाना हुँ। मसूद बुखारी एज अ रैपर नहीं रैपर तो मैं उस वाइब में घुसता नहीं हूँ ज़्यादा लेकिन फिर भी चलो गो गो फॉर फॉर कुछ इस तरह लिखा हुआ था कि भाई आप पकड़ लेना कोशिश कर नहीं 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 वो मैं भी ख़राब हो पता है बेजती मेरी होगी उनका तो अच्छा चला जाएगा मेरा क्या होगा <laughs> <laughs> बाद में मुझे काम भी करना है <laughs> तो <laughs> खैर वो ये चीज़ है कि ये वक्त है आज़ादी आज अज भूल अपना माजी और चूम इस परचम को खुदा भी इसमें राजी ये जीती हुई बाजी सैंतालीस से इक्कीस आज फिर मेरी आज़ादी इकबाल का वो ख्वाब और कायद का जुनून मिली है यूं आज़ादी जब बहा इतना खून सफ़ेद से सब तक सारे रंग ही हैं अपने मुहाजिर से पठान सारे भाई हैं सब अपने हैं आँखों में जज्बा भरा हुआ है जीत का नन्नी आँखों में अब भी इकबाल वाले सपने हैं तोहीद का वो नारा उम्मीद का है परचम पाक है फिजा मेरी गूंजेगी ये धड़कन रौनक है बाजारों में हाथों में है छन छन रब के सहारे चलेंगे हम मिलकर तो टू ऑल दी पाकिस्तानीज जोश आ जाग गया भाई अपने पाकिस्तान तो को छोड़ के जाना, जाना ही नहीं चाहिए नहीं नहीं जाना चाहिए आई थिंक आई थिंक नहीं जाना चाहिए ऐसा ही है झंडा निकालो नीचे से जितनी <laughs> <laughs> अपने अपने पासपोर्ट फाड़ना <laughs> तो यार ये सीन है कि बस अपने मुल्क को सपोर्ट करो आई नो कि वो क्राइसिस में है चीजें हैं उसके ऊपर चल रही लेकिन जब तक हम लोग खुद आ, अपने घर को नहीं बनाएंगे ना हमारा घर कभी अच्छा नहीं बनेगा बिल्कुल, तो बिल्कुल अपने घर को बनाना चाहिए अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए चीजें करनी चाहिए ताकि हम ग्रो करें हमारे घर वाले ग्रो करें तो ये चीज एक बड़ी जरूरी चीज है तो सर लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से मतलब अगर पॉडकास्ट में ये सवाल ना पूछा जाए ना तो मतलब पॉडकास्ट हुआ ही नहीं ओके हाँ, okay, okay. मतलब सारा नत... पूरा पॉड <laughs> अच्छा है हमें आगे जाके जीएम करनी है ना ओके 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 बिजनेस समझ गया आपको कैसा लगा हमारा एक्सपीरियंस अच्छा भाई मैं चलता हूँ <laughs> <laughs> नहीं यार <आँ>, मुझे <laughs> बहुत आया, बहुत आया, आप दोनों से मिलके बाकी पूरी टीम से मिलके थैंक यू यार सबने बहुत रिस्पेक्ट दी और मेरी तरफ से भी उतनी या उससे ज्यादा ही रिस्पेक्ट है आप लोगों के लिए आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं कीप ऑन वर्किंग लोग मेहनत करते हैं थोड़ा टाइम बाद थक जाते हैं जस्ट ट्राई टू अवॉइड के थकना नहीं है क्योंकि थकने के बाद जो आपको जीत मिलेगी ना उसका मजा ना होगा तो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड इसी तरह काम करते रहे हमें भी सपोर्ट करते रहे हम आपको भी सपोर्ट करते रहेंगे एंड इन सब अच्छा होगा आप लोग भी ग्रो करेंगे इन्शाला। इन्शाला, जिस तरह आप लोग कर रहे हैं माशाला यार आप लोगों की वीडियो चल रही हैं चीज़ें चल रही हैं ऑब्वियसली एंड मुझे बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ यहाँ पर आके बात करके आप लोगों लो ने नाश्ता मंगवाया मेरे लिए मेरा गार्डन गार्डन हो गया आपने अंडा पराठा मंगवाया हमारे लिए और आपने हमारे लिए चने मंगवाए तो हमारा दिल ऐसा गार्डन गार्डन हो रहा था आपने

क्या आने के लिए <laughs> मतलब आप हाँ लोग तो अब किसी को ना दो पैसा वो बंदा कहेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ तो आप लोग चलो मैं आवाम को क्लियर कर देता हूँ यार देखें सच बात है इन्होंने ज़्यादा <laughs> नहीं अच्छा ज़्यादा नहीं दी यार नहीं दिए पैसे चलो डिस्काउंटेड रेट्स में हम आ गए बजट हमारा कम है इस वक्त

हमेशा की तरह मैं बोलता रहूँगा ये हम का हाइलाइट्स बनाएंगे इन मैं भी थोड़ी लंबी करूँ और इसको बस यही रखते हुए कहूँगा कि और यू नो कीप सपोर्टिंग अस कीप सपोर्टिंग अस एंड विद द न्यू गेस्ट विद द न्यू होप अल्लाह हाफिज़ न्यू होस्ट एंड न्यू होस्ट एज़ उम्मीद की किरण तो है us